अरे भैया जी आपका खाली सिर से आ रहा है, घूम जाओ। अरे अंकल जी आप साइड में दादा पे घोष बजाने भैया, ये कर रहे बताइए। भैया मोबाइल पीछे रील बन गई, ऊपर आए हो सब। हाँ भाई सारे ऊपर चढ़ो पहले। मयूर उतरने की कितना सुंदर मयूर रथ में सवार होकर
नहीं बना पा रहे उस रथ को आगे बढ़ाए संगीतकार। इस्लामी के प्रदेश आपके पास
और धर्म की प्रभावना में किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए एक ऐसे प्रधान गुरुदेव की होना जरूरी है, गुरुदेव का होना जरूरी है जिनका निर्णय सभी लोगों को मान्य हो। इसलिए यह यति सम्मेलन रखा जाता है कि अलग अलग जगह अलग अलग विचार उठते हैं और अलग अलग निर्णय बन जाते हैं और अपने निर्णय को सही समझने लगते हैं, दूसरे का निर्णय गलत समझ में आने लगता है। आखिर सही निर्णय कैसे होगा? जब यति सम्मेलन होगा, सारे यति एकत्र होंगे, तब प्रधान गुरु के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो सभी को मान्य होगा। इससे अलग अलग परंपराओं का निर्माण नहीं होगा, इससे अलग अलग पंथों का निर्माण नहीं होगा, इससे अलग अलग विचारधाराओं का निर्माण नहीं होगा। सभी एक विचारधारा में चलेंगे, एक सूत्र में चलेंगे, समाज में एकता रहेगी और साधुओं में भी एकता रहेगी। और अगर ये यति सम्मेलन नहीं हुए तो फिर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज रहेगा और इससे हमारा धर्म विघटन को प्राप्त हो जाएगा, हमारा धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म की एकता को बनाने के लिए, समूल संस्कृति की एकता बनाने के लिए, समूल संस्कृति की विचारधारा को एक रखने के लिए ये यति सम्मेलन 5 वर्ष में होना जरूरी है। और अगर 5 वर्ष के पहले भी यदि साधुओं में की विचारधाराओं में अंतर दिखाई देने लगे तो मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि 5 वर्ष के पहले भी यति सम्मेलन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है 5 साल में ही हो। और युग प्रतिक्रमण की बात है, यद्यपि संवत्सर प्रतिक्रमण में ही युग प्रतिक्रमण गर्भित हो जाता है, लेकिन फिर भी जब सारे यति एकत्र हुए हैं तो सभी अपनी अपनी आलोचना रखते हैं, अपने अपने दोषों की आलोचना करके शुद्धि को प्राप्त होना चाहते हैं। इसलिए यति प्रतिक्रमण भी रखा गया है, युग प्रतिक्रमण भी रखा जाता है। कहने का मतलब यह है ये समय समय पर होते रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव की दया दृष्टि, गुरुदेव की कृपा दृष्टि, गुरुदेव की दूरदृष्टि, उन्होंने कितना दूरदृष्टि से सोचा होगा कि कहीं अलग अलग संघों में अलग अलग परंपरा का निर्माण ना हो जाए, अलग अलग विचारधारा न चल जाए, इसलिए सभी संघ एक ही सूत्र में विराजित रहे, इसलिए ये यति सम्मेलन रखा जाता है। इस वर्ष 2023 के युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन का निर्देशन का भार मैं भार नहीं कहूंगा, भार तो वो कहा करते हैं जिन्हें भार लगे, मैं सौभाग्य कहूंगा। ये गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा है, गुरुदेव का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव के चरणों में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है और गुरुदेव के ही नगर में गुरुदेव की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो इसे सौभाग्य ही समझता हूं और हमेशा सौभाग्य समझता रहूंगा। अगर गुरुदेव हमें अगले युग प्रतिक्रमण की भी आज्ञा दे तो मैं बहुत ही सौभाग्य समझ करके उसे भी स्वीकार करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि गुरुदेव हमें आज्ञा देते रहे और हम गुरुदेव की सेवा करते रहे, इससे बढ़िया और क्या कार्य हो सकता है। मैं समझता हूं गुरुदेव की सेवा से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, कोई भी कार्य किया जाए सारे कार्य सफल हो जाते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी कार्य गुरुदेव की सेवा से असफल हो जाए। मुझे एक उदाहरण याद आता है, गुरु महाराज नदी में खड़े हुए थे, बीच नदी में खड़े हुए थे
और बीच नदी में खड़े होकर के उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाओ पीने के लिए। शिष्य से कहा, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाओ पीने के लिए एक लोटे में। शिष्य बहुत देर तक तो देखता रहा, गुरुदेव पानी में ही खड़े हैं, गुरुदेव नदी में ही खड़े हैं, और नदी में ही खड़े हैं और पानी अंजुली अंजुली ही तो नीचे लगाना है, जरा हाथ ही तो नीचे करना है, बीच नदी में खड़े हैं, हम लेकर के जाएंगे नदी में प्रवेश करेंगे, कपड़े भीग जाएंगे, और गुरुदेव को तो हाथ ही सरकाना है। पता नहीं गुरुदेव क्यों मंगा रहे हैं। बहुत देर तक शंका करता रहा, फिर गुरुदेव ने कहा, तू पानी नहीं लाया? तो बोला, लाता हूं। और वो एक लोटे में पानी लेकर के गया, उसके सीने तक पानी आ गया। फिर भी यही सोच रहा था कि पानी तो हमने इसी नदी में से भरा था, मटके में पानी नदी में से ही भरा था, और गुरुदेव ने हमसे पानी लोटे में मंगाया, वही नदी में से ही पी लेते। अब क्या कहता गुरुदेव से, कुछ कह नहीं सका। और गुरुदेव ने जब पानी आने पर पानी लिया, लोटे में पानी लिया और एक घूंट पानी पिया और लोटा उसी को पकड़ा दिया, कहता ले जा रख देना। बहुत देर तक वो सोचता रहा, समझ में नहीं आया गुरुदेव क्या करना चाहते हैं, एक घूंट पानी तो एक अंजुली से पी लेते। जब उसके मन की शंका को गुरुदेव ने भांपा और जब शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव पानी तो आप वही नदी में पी सकते थे, फिर आपने हमसे यहां से पानी क्यों मंगाया? तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा पानी तो हम वही खड़े खड़े अंजलि में लेकर के पी लेते, लेकिन अगर हम वही पानी पी लेते तो तुझे सेवा का अवसर कैसे मिलता? और जब तक तुझे सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक तेरी अच्छी समाधि नहीं हो सकेगी। इसलिए ये गुरु की कृपा है कि गुरु ने ये सेवा का अवसर हमें दिया है। हमें इतने साधुओं की सेवा का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और जितने ज्यादा साधुओं की सेवा का अवसर मिले, उतना ही बड़ा सौभाग्य हुआ करता है। कहते हैं तीन लोक छे खंड, गुरुदेव की कृपा है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। करता कर्म ना कर सके, गुरु करे सोय। करता कर्म ना कर सके, गुरु करे सोय। तीन लोक छह खंड में गुरु से बड़ा न को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अपने गुरुदेव के ऊपर ही ये बात घटाना चाहते हैं। आचार्य श्री ने जब छुल्लक दीक्षा के बाद मुनि दीक्षा धारण की, तो उनके मन में ये भाव आया कि मैं यहां दीक्षा धारण नहीं करूंगा, मैं कहीं और दीक्षा धारण करूंगा। तब हम ये कहें, कर्ता कर्म न कर सके, ना कर्ता ने कुछ कर पाया ना कर्म ने कुछ कर पाया, गुरु करे सो होए। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने यह कहा कि आपकी दीक्षा तीसरे दिन हो जाएगी, ना कर्ता कुछ कर पाया ना कर्म कुछ कर पाया, गुरु करे सो होए। बस हम यही कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं करते, ना हम युग प्रतिक्रमण के निर्देशक हैं, ना हम यति सम्मेलन के निर्देशक हैं, हम तो गुरुदेव के सेवक हैं। गुरुदेव ने हमें सेवा का अवसर दिया है,
और जब भी हमें गुरुदेव किसी भी तरह की सेवा का अवसर देंगे हम सौभाग्य समझ करके उसे स्वीकार करेंगे। और आज भी हम ये बात कहते हैं कि हमें अगर और आगे सेवा का अवसर मिलेगा हम अपना उसे सौभाग्य ही समझेंगे और गुरुदेव की कृपा से सब हो जाता है। आचार्य श्री ने ओरसा में मुझसे ये कहा आपको अंग्रेजी की टीका लिखनी है, सर्वोदयी टीका अंग्रेजी में लिखनी है। हमने प्रश्नोत्तर तो अंग्रेजी में लिखे थे, कोई स्तुतियां तो अंग्रेजी में लिखी हैं, कोई भजन तो अंग्रेजी में लिखे हैं, लेकिन कभी टीका नहीं लिखी थी। गुरुदेव ने कहा, सिर पे हाथ रखा और पीछे से आशीर्वाद दिया और कहा तुम लिख लोगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हम लिख लेंगे। तब हमने कहा न कर्ता का हुआ न कर्म का हुआ, गुरु ने कहा वही हुआ। और वो सर्वोदयी टीका आपको 23 तारीख को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, हाँ 3 तारीख को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, आचार्य श्री ने पूर्वार्ध लिखने को दिया था, उत्तरार्ध नहीं दिया था। लेकिन मैं फिर कहूं कर्ता कर्म ना कर सके गुरु करे सोए। हमें विश्वास ही नहीं था कि हम टीका लिख लेंगे। जब आचार्य श्री ने हमसे कहा कि आप लिखिए और हमने रात्रि में ही जाकर के जब मंगलाचरण अंग्रेजी में लिखा तो हमें विश्वास हुआ कि मैं लिख सकता हूं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके ही कॉन्फिडेंस से, हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं आचार्य श्री के कॉन्फिडेंस से, और हमने जब रात्रि में लिख करके आचार्य श्री को बताया तो आचार्य श्री ने कहा तुम ही जानो, जो लिखा है वो तुम ही जानो। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव की कृपा से वो सर्वोदयी टीका 800 प्रश्न की अंग्रेजी की टीका आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगी। और वो आचार्य श्री के घर कमलों में ही हम बैठ कर सकेंगे। हम ये कहें हम क्या लिख सकते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, करते तो गुरुदेव ही हैं। वो कहते हैं ना कि गुरुदेव की कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हैं सारा गुरुवर। प्रदीप जी करते हैं सारा गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, इसलिए करने वाले तो गुरुदेव हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। लेकिन ये चलाने वाले हैं, उसमें कोई शब्द देने वाला कोई और है। हम तो लेखनी उठाते हैं, शब्द कोई और देता है। तो हम ये कहें कि गुरुदेव आगे हमें जो भी आज्ञा होगी हम अपना सौभाग्य समझ करके उसे भी स्वीकार करेंगे। इसलिए युग प्रतिक्रमण और यदि सम्मेलन 5 वर्ष में होते रहना चाहिए, और अगर अन्य संघों में शिथिलता नजर आने लगे तो उसके पहले भी यदि सम्मेलन हो सकता है और होना चाहिए। इसलिए हम ये कहें आगे हमें जैसी भी आज्ञा प्राप्त होगी हम उस आज्ञा को स्वीकार करेंगे। अंत में गुरुदेव के चरणों में त्रय व्यक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए जब परम पूजाचार्य गुरुदेव की। देखिए हमारे कुमार प्रदीप सिंह जी नौगांव हीरापुर नौगांव से 2 बस जो कि जैन में नहीं है, 2 बस बिरंजन सागर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय वीदिरागदेवम्, जय जिणीवाणी ही करी मादा, जय गुरु विमल सम्मदी।
चरणी जुगली सया वंदी चरणी जुगली सया वंदी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोई सवैसाहूणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की, विश्व वंदनीय श्री धर्मनाथ भगवानी की, विश्व वंदनीय श्री तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधु आज यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण महामहोत्सव का शुभारंभ हुआ है। प्रातः काल से ही समग्र पथरिया नगर वासियों में दिव्य घोषों ने सूचना दे दी और सोते हुए लोगों को जगा दिया है कि अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। जिसकी बरसों बरस से आप इंतजारी कर रहे थे, जिसकी काफी काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, जिसके पानी के लिए, उस समय अब आ गया है। केवल दिव्य घोषों की आवाज पथरिया तक ही नहीं पहुंची, आस पास के नगर और समग्र देश और राष्ट्र तक आपकी ध्वनि गूंज उठी है। जितने भी चैनल वाले हैं उन्होंने पता नहीं कहां कहां तक 122 देशों तक आपकी दिव्य घोषों की गूंज गुंजाई है और सबके लिए सूचना सुनाई है कि पथरिया का युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन प्रारंभ हो गया। मुनि राजों के ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सबको समझ में आ जाता है कि हां हां यति सम्मेलन प्रारंभ हो गया है। माताजियों की ओर दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि हां यति सम्मेलन प्रारंभ हो गया है। एक एक साधु के दर्शन की महिमा हमारे शास्त्रों में जो कही गई है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम कहा गया, साधुओं की निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के दर्शन पुण्य और महापुण्य से होते हैं। शास्त्रों में भावी सिद्धात्मा जिन्हें कहा गया है,
सिद्ध बनने वाले आज अपने बीच में विराजमान हैं। कुंद कुंद आचार्य जिन्हें चलता फिरता मोक्ष मार्ग कहते हैं, जिन्हें कोई आचार्य तीर्थ कहते हैं, बंधो धन्य हो जाइए आप तो दर्शन करके कि अपन लोगों का एक ऐसा यहां के उपस्थित लोगों का पुण्य जगा कैसे साधुओं के लिए आपको सम्मेलन देखने के लिए मिल रहा है। कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे, चाहे वो पथरिया के हों, चाहे केरबना के हों, चाहे बमोरी के हों, बमोरी के लोग एक दिन सुना रहे थे कि महाराज, बच्चे लोग थे, बोले हम लोग एक महाराज के संग आ रहा था, अगवानी के लिए गए और उनके अगवानी करके आए, एक महाराज के विहार कराने के लिए गए, एक संघ का प्रस्थान कराने के लिए गए और जैसे ही घर में आए तो उनको सूचना मिल गई कि सुनो दूसरे महाराज का संग आ रहा है। सो दौड़ते दौड़ते वहां चले गए। वे वहां तक पहुंचे ही नहीं कि जानकारी मिली कि नहीं तीसरी दिशा से भी कोई संग आ रहा है। तो मुझसे बोले थे, महाराज हम लोग तो अचंभ में पड़ गए कि अब हम जाएं तो कहां जाएं, कहां जाएं। बोले हम लोगों ने तात्कालिक निर्णय लिया, आधे वहां जाओ आधे वहां जाओ आधे वहां जाओ, लेकिन जो भी नगर में आएगा सबका सम्मान करेंगे, सबका बहुमान करेंगे और अपना जीवन को सौभाग्यशाली मानेंगे। यही बात पथरिया में चल रही थी। मुझे लग रहा कि उत्तर दिशा कुबेर दिशा मानी जाती है। कुबेर दिशा इसलिए मानी जाती है कि कुबेर उस दिशा में निवास करता है। अगर उत्तर दिशा से कोई आगमन हो तो समझ लीजिए कहीं कोई कमी नहीं आएगी। सबसे अधिक साधुओं का आगमन यदि हुआ है तो उत्तर दिशा से सबसे अधिक संघों का आगमन हुआ। इसका मतलब यह भी नहीं कि अन्य दिशा खाली रही है, दक्षिण से भी हुआ है और पूर्व से भी हुआ है, पश्चिम दिशा छूट रही थी और योग ऐसा बन गया कि हम लोग जब सागर से आ रहे थे, आना तो था गड़ाकोटा होते हुए और आ गए शाहपुर होते हुए, तो चारों दिशाएं पथरिया का मंगलाचरण कर रही हैं। बंधो श्रमणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा उनके अंदर में वो गुण भी है। नम्रता से भरे हैं इसलिए वे विनम्र हैं। विनम्र सागर जी महाराज ने आज से 5 साल 7 साल पहले प्रार्थना की थी कि मुझे अगले यति सम्मेलन का सौभाग्य मुझे दीजिए, यह अवसर मुझे दीजिए, मैं कराऊंगा, मेरी इच्छा है। और सारे संघ के उनके महाराज और माता जी लोग ने समर्थन दिया, बहुत बहुत अच्छी आपने प्रार्थना की है। सबसे अधिक आनंदित हैं तो विनम्र सागर जी महाराज आनंदित हैं, और वे इसलिए आनंदित हैं कि हमने अपने उद्देश्य को प्रारंभ कर दिया है और उसको सफल बनाने में उन्होंने हर तरह से पूरी पूरी कोशिश की। बोले मैं ब्रागोदय में रुकूंगा, किसी भी महाराज की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दूंगा, चाहे वो चौका हो, चाहे आवास व्यवस्था हो, चाहे और भी व्यवस्था हो। और वे यहां रुक करके, मैंने कि आप यहां रुको, हम लोग पथरिया में रुकते हैं।
बंधो, उन सबको पाकर के, उनके इस उद्देश्य को पाकर के मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज अपने बीच में श्रवणाचार्य विमर्श सागर जी महाराज, श्रवणाचार्य नगर गौरव विनिश्चय सागर जी महाराज, हम भी हैं नगर गौरव, श्रवणाचार्य भावी श्रवणाचार्य विहर्ष सागर जी महाराज, श्रवणाचार्य नहीं विभव सागर जी उठ गए, हाँ विभव सागर जी महाराज, श्रवणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज, श्रवणाचार्य विबुध सागर जी महाराज और अनेकों अनेक श्रवण संघ, बेहसंत सागर जी महाराज, विरंजन सागर जी महाराज, विशोक सागर जी महाराज, विनिश्चल सागर जी महाराज, विश्रुत सागर जी महाराज, विभंजन सागर जी महाराज, संस्कार सागर जी महाराज, विश्वाक्ष सागर जी महाराज, आस्तिक्य सागर जी महाराज, विकसंत सागर जी महाराज, विजय सागर जी, विजय सागर जी महाराज, विजय विश्व विजय सागर जी महाराज, विश्रांत सागर जी महाराज, विनियोग सागर जी महाराज आदि आदि मुनिराज, गणनी आरिका विभाश्री माताजी महाराज, माताजी आज प्रातः काल के बेला में वो 11 किलोमीटर बराबर चल करके आज उनका मंगल प्रवेश हुआ है। आरिका विशिष्ट श्री माताजी, श्रमणी आरिका विबोध श्री माताजी, विविक्त श्री माताजी, ब्रह्म्या श्री और विसंयोजना श्री माताजी, विकाम्या विगुंजन श्री माताजी, विनत श्री माताजी, विशाखा श्री माताजी, विप्रा श्री माताजी, कितने सारे संग आ गए हैं, बिना लिस्ट रखे तो हम भी भूल जाएंगे। बंधु इतने इतने सारे महाराज और माताजी लोग सत्संग उपस्थित हो गए, लेकिन ऐसा ना सोचें कि बस इतने ही हैं, और भी संग अभी और भी आ रहे हैं। इसलिए पथरिया वाले कोई घबराए ना, पथरिया वाले कभी नहीं घबराते, बोले महाराज आने दीजिए, जो भी संग आएंगे, जितने भी आएंगे, हर मंदिर के समिति ने और हर मंदिर की महिला मंडल ने और अपना सक्रिय महिला मंडल ने कमर कस ली कि जब भी जो भी संग आएंगे सबका स्वागत सम्मान करेंगे और सबकी सेवा करके सौभाग्य पाएंगे। जितनी भी यहां की युवा समितियां, चाहे वह महामहोत्सव समिति हो, आज सानंदित है, आनंद विभोर है, तो हमारी महामहोत्सव समिति है कि जिन के लिए उन्होंने इतनी मेहनत, इतना परिश्रम किया, हर व्यक्ति यहां के, चाहे पंडाल हो, चाहे आवास व्यवस्था हो, चाहे लाइट की रोशनी हो, देख देख करके बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं, और उनकी खुशी को देख करके सारी महोत्सव समिति आनंदित हैं।
मुनि सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं वे अगवानी कर करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बंधु, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे प्रसंग पर आज अपने बीच में पंचकल्याणक महामहोत्सव के प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण संहिता सूरी श्री हसमुख जी धरियाबाद से यहां पर उपस्थित हो गए और उनके साथ अनेकों अनेक विद्वान प्रतिष्ठाचार्य उपस्थित हुए हैं। लोग रह कह रहे हैं कि महाराज पहली बार हम सुन रहे हैं बुंदेलखंड में इतने सारे प्रतिष्ठाचार्य रहेंगे। मैंने कहा और सुनो नहीं देखना भी, देखना भी कि इतने प्रतिष्ठाचार्य और इतने संघ के साथ भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा वंदना और प्रतिष्ठा कराएंगे। आज मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता बड़ी खुशी है कि सारे कार्यक्रम में हमारे गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का हम लोगों के ऊपर बरद हस्त है और उनके ही आशीर्वाद से सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो रहा है। बंधु, आज इस बात की भी मुझे खुशी है कि अपने यहां के गोपाल दास गोपाल जी भार्गव बोल रहे थे हम तो रहली क्षेत्र के विधायक हैं। मैंने कहा विधायक भले रहली क्षेत्र के हो गए लेकिन मंत्री जो हैं यहां पूरे मध्य प्रदेश के हैं और उन्होंने सारे नगरवासियों के लिए इतना अच्छा काम किया, सारे धार्मिक श्रद्धालु लोगों के लिए जिस रास्ते पर चल करके अपन को कंकड़ गढ़ते थे चलने में परेशानी होती थी। बंदो रातों रात में रास्ते बन गए, पूरे रोड बन गए, सारी पथरिया के लोग खुश हो रहे थे कि हमारे नगर भी पंचकल्याणक के कारण इस निमित्त से वहां के भी रास्ते बन गए। मैंने कहा और भी तरक्की होगी अपनी पथरिया की, आप तो भगवान की श्रद्धा और भक्ति करते रहिए। बंदो गोपाल जी भार्गव अपने बीच में आए और उन्होंने सबकी बात को सुना। हमारे जयंत मलिया जी की प्रेरणा को भी उन्होंने ध्यान में रखा और ये सारा बहुत बड़ा काम करके अपना यश पताका फहरा रहे हैं। सबसे अच्छी खुशी यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं आज भी आया हूं, आने वाले दिनों में भी आऊंगा, दो बार और आऊंगा। बंदो इसका मतलब है कि जो जो भी समस्याएं अपनी कहीं कमी है वो कोई भी कमी नहीं होगी और वे सारी समस्याएं पूर्ण हो जाएंगी। आज श्रीमद् जिनेन्द्र पंचकल्याणक यति सम्मेलन युग प्रतिपण के प्रमुख पंडाल का याद रखिए, पंचकल्याणक का पंडाल का उद्घाटन बाद में होगा, ए यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण का उद्घाटन और ध्वजारोहण हो रही है। आज हमारे अशोक जी ममता जैन कोलकाता वालों की बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना थी कि जो आज्ञा देंगे जो आदेश देंगे हम सहर्ष उसको पालन करेंगे और आज उन्होंने इस सौभाग्य पाया। अशोक ममता एक ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करता है कि जिन्होंने कोलकाता के चातुर्मास कलश की स्थापना में भी प्रमुख कलश का पाने का सौभाग्य प्राप्त किया था और यहां की वर्तमान चौबीसी का एक मंदिर का भी उन्होंने निर्माण कराया, सौभाग्यशाली हैं। हम सदैव भावना रखते हैं कि ऐसे प्रशस्त भाव जगत के प्रत्येक प्राणियों में बने रहें होते रहें।
हमारे राकेश सरावगी कलकत्ता निवासी, वे भी घनिष्ठ रिश्तेदार हैं उनके, और ममता जी की प्रेरणा से उन्होंने, माता जी विशिष्ट श्री माता जी की प्रेरणा से एक मंदिर का भी निर्माण उन्होंने कराया, और आज के यति सम्मेलन की ध्वजा भी ध्वजारोहण वो कराएंगे। आज बड़े आनंद और हर्ष के साथ जब आपका जुलूस देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे, आज हमारे विद्रोह सागर जी महाराज की प्रेरणा से अनेकों अनेक रेजिमेंट तैयार हुए हैं, और सभी रेजिमेंटों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी। लोग बड़े चिंतित थे कि पथरिया की महिलाएं इतनी चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी। मैंने कि सबको अभ्यास हो गया है, सभी ने महाराजों के माताजियों के बिहार कराए भी हैं, अगवानी भी की है, और आगे बिहार में भी तैयार रहेंगे, सब अभ्यस्त हैं। बड़े आनंद के साथ सभी ने अनुशासित पद्धति से आज अपनी रेजिमेंट की प्रस्तुति की है। हमारी गर्ल्स कॉलेज, कौन सा नाम था, रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं, एनसीसी की छात्राएं, और उन्होंने इस कार्य में उपस्थित होकर के हमारे मैडम के निर्देशन में बहुत अच्छे सुंदर प्रस्तुति दी, और सभी लोगों को बतला दिया कि पथरिया के युवाओं से दो कदम आगे हमारी बालिकाएं भी हैं। जो शासन केवल धर्म ही नहीं, देश की रक्षा में भी अपनी पूरे कदम उठा रही हैं, और निश्चित है इनमें से अनेकों ऐसी कन्याएं होंगी जो एक अपनी भी पथरिया की अपनी अपनी निशान बनाएंगे, अपना पहचान बनाएंगे कि हाँ हम ऐसे पथरिया के हैं जो जहां की माटी में देश रक्षक भी लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे श्रमण मुनि विरंजन सागर जी महाराज की प्रेरणा से आज अनेकों अनेक जगह के दिव्य घोष उपस्थित हुए हैं, अनेकों अनेक युवा उनकी प्रेरणा से युवा सम्मेलन है दोपहर में 2 बजे से, चूंकि आज अपन लेट हो रहे हैं तो युवा सम्मेलन कार्यक्रम 2 बजे से प्रारंभ होगा, 1 बजे से होने वाला था वो अब 2 बजे से प्रारंभ होगा, और उनके अथक मेहनत अथक प्रयत्न प्रयास से विरंजन सागर जी महाराज हमारे श्रमणों में भी, हमारे साधुओं में, हमारे शिष्यों में भी एक ऐसे शिष्य हैं कि जो हमसे ज्यादा तैयारी करके रखते हैं, सोच विचार करके रखते हैं। जैसे ही उनको मालूम चला कि महाराज ने हमारे लिए युवा सम्मेलन करने का एक सौभाग्य अवसर दिया, उन्होंने सभी के बैच, किसी की जॉकेट, किसी की टोपी, किसी के लिए सारे इनाम पारितोषक, दिव्य घोषों के बड़े बड़े फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों के लिए शील्ड आदि तैयार करके रखे। उनके इस कार्य को देख करके मुझे बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है। अंत में जाकर के पथरिया नगर पंचायत की ओर से और हमारे कलेक्टर साहब, दमोह कलेक्टर, दमोह जिला कलेक्टर की ओर से बहुत बहुत बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, चाहे एम्बुलेंस व्यवस्था हो, चाहे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, चाहे जल की व्यवस्था हो, आदि आदि जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि में सबसे अच्छी कमान कस करके सब तैयार हुए हैं। सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है,
आज जहां जहां से भी समाज के प्रतिनिधि लोग आए हैं, समाज के लोग आए हैं, जो लोग बस लेकर के आए हैं और अन्य लोगों को साथ में लाए हैं, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर के चरणों में नमस्तु करते हुए देखिए आज दोपहर के युवा सम्मेलन का एक बात का और ध्यान रख लीजिए, रेजिमेंट वाले, दिव्य घोष वाले और भी एनसीसी की कन्याएं कि ये कार्यक्रम आज शुभारंभ हुआ है। आप ये ना समझे कि हमारा काम पूरा हो गया, ये शुभारंभ हुआ है अभी। इसके बाद पुरस्कार भी सभी को दिया जाएगा। हमारे विरंजन साहब जी ने खूब सारी तैयारी करके रखी है, तो इसलिए 2 बजे सभी को ध्यान रखना है। यह जुलूस ऐसा दूसरा जुलूस भी अपना पथरिया से निकलेगा और वह घट यात्रा जुलूस, उसमें श्री जी भी वहां से रथ में सभी मंदिरों से श्री जी भी अपन लोग उनको विनय से लाएंगे और यहां पर पंच कल्याण के इस मंच पर उनको विराजमान किया जाएगा। तो सभी लोगों के सम्मान के साथ अपन लोग तैयार होना है और इसी प्रकार से रेजिमेंट के ड्रेस में आएंगे। यही रेजिमेंट और यही सभी व्यवस्थाएं गजरथ के समय में भी रहेंगी। तो सभी 10 तारीख के दिन, 5 तारीख को घट यात्रा और 10 तारीख को गजरथ उस समय के आपकी वीडियो और आपकी फोटो सबके हाथ में पहुंचेगी और आपको याद रखी जाएगी कि हाँ उस समय ऐसी ऐसी अमुक अमुक ने प्रस्तुति दी थी। सभी बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करके बाकायदा रखें अपनी ड्रेस, अपनी सामग्री को बहुत अच्छी सुरक्षित रखें, झंडे वगैरह, ताकि फिर से इसका हम उपयोग कर सकें। जय बोलिए महावीर। अभी आचार्य गुरुवर के पूरे संघ सानिध्य में ध्वजारोहण होगा कलकत्ता परिवार का और आप सभी लोग वहां भी चलेंगे। अभी 81 पंचगणक 5 तारीख से होना है, घट यात्रा का कार्यक्रम होना है और उसमें बहुत सारे पात्र बनने का आपको अवसर मिलेगा। अष्टकुमारियां और लोकांतिक गीत एक एक दिन का, 2-2 दिन के रोल है। 6 और 5 तारीख को अष्टकुमारियों का रोल है और 8 तारीख को लोकांतिक देव का भी रोल है। 640 लोकांतिक देव बनना है, जो बनना चाहे वो समिति से अतिशीघ्र संपर्क करें। विरंजन सागर जी की ओर चलते हैं। अभी हमारे जो संयोजक हैं श्रीकांत और बड़कुल और अखिल भाई, अभी दोपहर का मंच आप लोग यहाँ 1:45 बजे कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। यहाँ चित्त अनावरण हो रहा है, दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा। अब बोले परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय। 4 पंक्तियों के साथ बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, रखा हुआ पैर मंजिल को पा नहीं सकता और जिन जिन भक्तों पर गुरुवर का आशीर्वाद है वो अंधेरे में भी कभी ठोकर खा नहीं सकता, अंधेरे में भी कभी ठोकर खा नहीं सकता। आइएगा चित्त अनावरण के बाद यहाँ पर अब विनयांजलि के लिए दीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन अभी करा रहे हैं, अभी विधायक जी आ रहे हैं कराएंगे, है ना। इन सब का यहीं पर बैठा ले, मंचासीन यहीं पर हो जाए। हमारे एकांग शैलेश भैया श्रीकांत थोड़ा इको कर दीजिएगा। विरासत सौंपने वाला भरोसा टूट जाएगा, अभी भी हम नहीं बदले मुकद्दर रूठ जाएगा। कि तड़प सीने में बाकी हो अगर गिरनार की थोड़ी, तो मिल कर के रहो वरना शहर जी छूट जाएगा। तो मिल कर के रहो वरना शिखर जी छूट जाएगा। और एक चंद गुरुदेव के शीर्ष चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, शब्दों का अर्घ समर्पित करता हूं गुरुदेव के शीर्ष चरणों में। अभी हमने 3-3 महामारियों की लहरें झेली, लोग बोलते हैं कि महामारी फिर से आने वाली है,
हम बोलते हैं कि अब महामारी कभी नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी कि धन बल बुद्धि के नशे में चूर आदमी था, भ्रम एक झटके में तोड़ के चली गई। अरे वैसे तो आई थी महामारी मौत बांटने को, देके एक सिख देश छोड़ के चली गई। ओ धरती के भगवान को निहारो शांत हुई, अहिंसा का धर्म ध्वज ओढ़ के चली गई। और आखिरी एक एक व्यक्ति की तालियां मुझे चाहिए कि अहिंसा का धर्म ध्वज ओढ़ के चली गई। ओ मेरे गुरुदेव विरंजन सागर के चरणों में कोरोना बीमारी हाथ जोड़ के चली गई। मेरे तालियां कमजोर हैं साहब। मेरे गुरुदेव विरंजन सागर के चरणों में कोरोना बीमारी हाथ जोड़ के चली गई। बोलेगा जयकारा गुरुदेव का। और लीजिए कार्यक्रम का मंगल चरण यहाँ पर संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम के अगले पायदान पर कदम रखते हुए मैं अतिथियों के उद्बोधन के लिए एक एक अतिथियों को बुलाऊंगा। और मैं मंच से क्षमा चाहता हूँ, मैं मंच के क्रम को थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूँ। मंच की एक मर्यादा होती है, जो बड़ा होता है वो बाद में बोलता है। हमारे बीच नगर की विधायिका बाई जी यहाँ पर है, आपको नाम है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव को लेकर के आएंगे हमारे अंकित सांदेलिया, लोगों को दो तीन लोगों को लेकर के जाएं, एक श्रीफल लेकर के जाएं गुरुदेव के चरणों में। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के निर्देशक परम पूज्य गुरुदेव जनसंत 108 विरंजन सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। आज के युवा सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर विराजमान इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती रामबाई जी, उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण, इस युवा सम्मेलन कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मलैया जी, उपस्थित समस्त साथियों माताओं बहनों, आज इस यति सम्मेलन में युवा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों, युवा क्यों आवश्यक, और युवा जो आज देश का नेतृत्व करेगा, युवा जो जैन धर्म की रक्षा करेगा, जैन संस्कृति समृद्धि उसके संरक्षण और विकास के लिए अग्रसर होगा वह युवा। पूज्य जनसंत विरंजन सागर महाराज जी के निर्देशन और नेतृत्व में हमने लगभग 4 राष्ट्रीय युवा सम्मेलन और करीब 20 से अधिक क्षेत्रीय युवा सम्मेलनों का आयोजित किया। आज जैन धर्म जैसे अनादि अनंत धर्म की सुरक्षा और विकास के लिए युवा शक्ति को आगे लाने की जरूरत है। परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज के सत्संग साधुओं ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है, और युवा ही एक ऐसी ताकत है जो जैन धर्म की रक्षा करने के लिए आज समय की आवश्यकता अनुसार आगे आकर धर्म के सिद्धांतों के साथ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जहां धर्म में त्याग तपस्या की आवश्यकता है, वहीं युवाओं को सरकारी व्यवस्थाओं में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और व्यापार की दृष्टि में समाज सेवा के रूप में युवाओं को आगे आने की जरूरत है। आज जैन धर्म पर वह संकट आया तब जैन धर्म और हमारे अन्य धर्मों के लोगों ने हमारी युवा शक्ति को देखते हुए
हमें कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया है। पूज्य गुरुदेव जनसंत विरंजन सागर जी के नेतृत्व में हम सभी एक होकर एक आवाज में एक शक्ति के साथ लड़ाई लड़ेंगे और जैन धर्म जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार में हमेशा अग्रसर रहेंगे। समय की अपनी गंभीरता है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में हमारे यहां पर हमारे सागर के पराग भाई जय कुमार जी सागर से, आदरणीय प्रदीप जी, हाँ अखिल भाई जल्दी बोलो, हमारे नगर सागर के लाडले विधायक, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शैलेंद्र जैन जी शैलेंद्र भैया, जो परम पूज्य गुरुदेव विरंजन सागर जी महाराज के प्रिय शिष्य है। गुरुदेव की छुल्लक अवस्था से मुनि अवस्था तक सागर में दो चातुर्मास हुए, दोनों चातुर्मास में शैलेंद्र भैया ने सक्रिय भूमिका निभाकर उनकी धर्म देशना को पूरे बुंदेलखंड में फैलाने का कार्य किया। प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय नेहा बग्गा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय गौरव सिरोठिया जी, ये तीनों अतिथि द्वय मंच पर आ रहा है। श्रीकांत जी मीडिया प्रभारी सम्मान से हमारे अतिथियों को मंच पर लेकर आए। दिव्य घोष वाले जब पूज्य गुरुदेव मंच पर हो जाएंगे तो उनके नाम घोषित किए जाएंगे। प्रथम स्थान किन्होंने प्राप्त किया है, द्वितीय एवं तृतीय स्थान और सांत्वना पुरस्कार के लिए और भी दिव्य घोषों का उनका नाम अभी घोषित किया जा रहा है। पूज्य आचार्य भगवान मंच पर आ जाएं। हमारे मरावरा वाले दिव्य घोष वाले बैठना, पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, उनके सामने आपका नाम घोषित किया जाएगा। हमारे माननीय विधायक, हमारे सागर के गौरव मुनि श्री के प्रिय शख्स नगर विधायक शैलेंद्र जी शैलेंद्र भैया, जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया जी, राष्ट्रीय कवि सुनील समैया जी, नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इन सभी से निवेदन है मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करें और श्रीफल अर्पण के बाद सीधे कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मुनि श्री के नजदीक है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुशल समाज सेवी आदरणीय नेहा बग्गा जी, सागर नगर के लाडले विधायक मुनि श्री के प्रिय शिष्य नगर आदरणीय शैलेंद्र भैया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हम सभी के प्रिय भाई गौरव सरोठिया जी, राष्ट्रीय कवि सुनील समैया जी जो कि मुनि श्री के प्रिय शिष्य हैं, मुनि श्री के चरणों में प्रासुक जैन जी, अखिल भाई चित्तन आवरण, पराग बजाज जी भी हमारे विशिष्ट अतिथि, राजकुमार जी जिला सदस्य, सभी अतिथियों से निवेदन है सीधा श्रीकांत जी दीप प्रज्वलन करवाकर इस कार्यक्रम की प्रारंभिक शुरुआत करेंगे। सभी अतिथि मंडल दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन कर रहा हूं। सिद्धार्थ भैया इन सबको ले जाएं और दीप, सिद्धार्थ भैया हमारे अतिथि मंडल सभी दीप प्रज्वलन करेंगे। भाई जल्दी सबको दीप प्रज्वलन कराएं। राजकुमार जी भरा भैया हमारे अतिथि मंडल को दीप प्रज्वलन के लिए ले जाएं। चलन भैया थोड़ा जल्दी करें, दीप प्रज्वलन करें। हमारे कार्यक्रम के संरक्षक परम आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जी सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन की तरह ले जाते हुए और पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हम ईश्वर से कामना करेंगे कि समाज में जो भी अंधकार है उसमें प्रकाश की किरण के साथ संपूर्ण अंधेरा मिट जाए और यह सृष्टि प्रकाश से आलोकित हो जाए। रुचिर दीप्त करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखा कर मुज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीं
अज्ञान तिमिर हरम दीपकम स्थापयामि स्वाहा। इस युवा सम्मेलन का उद्देश्य है हमारी युवाओं की शक्ति को जागृत करने के लिए कि हमारी युवाओं का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या उनका उद्देश्य जीवन का है, इन सब पर आज चर्चाएं एक विचार यहां पर रखे जाएंगे कि हमारी युवाओं का समाज में सभी अतिथियों परिवार में मंच पर आए उनका स्वागत होगा। क्या उद्देश्य, क्या सिद्धार्थ भैया उनका भाव है, अतिथियों को यहां लेके आए स्वागत के लिए, भैया बोल रहे ना, क्या उद्देश्य है, क्या भाव है, इस भावनाओं से एक युवा सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और आज महामहोत्सव विरागोदय का यह मंगलाचरण पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वीरंजन सागर जी आपको ये युवा सम्मेलन से आज मंगलाचरण प्रारंभ करना है। मैंने कहा हो भाग है और आज ये युवा सम्मेलन के माध्यम से ये कार्य प्रारंभ हो रहा है और इन सब का सम्मान हमारे श्रीकांत जी परकुल प्रदीप भाई इन सब का सम्मान बहुमान करें। पथरिया से हमारे आजो, हाँ जल्दी इस कार्यक्रम के आचार्य भगवान कुछ ही क्षणों में मंच पर आ रहे हैं और सीधा पूज्य गुरुदेव का सुनेंगे अपन भाव। युवा वर्ग गए हैं गुरुदेव के श्रीफल चढ़ाएं हमारे अनेकांत भाई, कवि अमित मोलक जी, राकेश राजेंद्र जी भी मंच पर आए। संस्कृति का पालन करता हुआ रानी बैराजी पार्षद लखन पटेल जी विधायक और हमारे पथरिया की विधायक यहाँ पर मेंबर है सभी नाटक बंधन स्वागत। अमित मौर्य जी, नैमी जी, स्टूडेंट रिवर्स आर एन एच आर कारोबार जी भी यहाँ पर है उनका स्वागत। अमित भाई जबलपुर से आ जाए मंच पर। नरेंद्र कुमार जी स्वीट वाले सभी अतिथियों से निवेदन है सबको स्वागत के बाद अतिथि देता हूँ इसका कार्यक्रम। जन जन के संत चमत्कारिक संत हम सब पर सदैव कृपा करने वाले जन संत श्री वीरंजन सागर जी महाराज की, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करने से क्या फायदा, वो विधायक है और विधायक भी इतने सहज है सरल है कि सागर की जनता जिन पर अपार स्नेह लुटाती है जिनकी गुरु भक्ति हम सब देखते हैं। समय आपके पास स्वरा आचार्य जिन शासनों नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, जन संत मुनि श्री वीरंजन सागर जी महाराज की। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं गुरुदेव के सम्मान में और फिर यह मंच, युवा जो आप आए हैं आपका मार्गदर्शन करने, इतने विशिष्ट लोग आए, मैं चार पंक्ति पढ़ता हूं, गला बहुत तेजी से लगा है,
8 दिन से कवि सम्मेलन में हूँ, आप मेरा साथ देना। मैं एक पंक्ति पढ़ू, आप सब बोलना बाबा, एक बार बोलो बाबा, जरा जोर से लगे युवा बैठे, बोलो बाबा। मैं एक पंक्ति पढ़ू, सबको बाबा करना है कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती। ये लगा कि जैनों का युवा सम्मेलन है। अब जो नहीं बोले उनको भी बोलना कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती। और गमों की ये हाथ बांधे बैठे हैं, ये युवा हैं कि बुजुर्ग हैं, इनकी आयु चेक करना कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती। और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। गुरु पर आस्था रखना, सुनो तुम जहां वालो, कमजोर है बाबा, अरे गुरु पर आस्था रखना, सुनो तुम जहां वालो। और चौथी पंक्ति पे ताली बजा के बाबा करना है, अभी नहीं, एडवांस नहीं। गुरु पर आस्था रखना, सुनो तुम जहां वालो, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं। जय हो। बहुत बढ़िया। और बाबा से बाबा तक और छोटे बाबा का आदेश हुआ। इसके बाद सीधे हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय नेहा बग्गा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आ जाने दो भैया, एक मिनट, आ जाओ, आ जाओ। पूज्य आचार्य भगवान भी संग सहित आ रहे हैं। नेहा जी आइए जल्दी से। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव पटेल जी आ चुके हैं गुरुदेव के चरणों में, श्रीफल को जा रहे हैं, उनका वंदन अभिनंदन स्वागत। और दिगंबर जैन समाज यहां पर आई हुई है, जिनका भी आगामी समय में 1 मई से 6 मई तक पंच कल्याणक गजरथ महामहोत्सव होने जा रहा है खरगापुर में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, उनके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। जल्दी से बैठ जाएं, पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, उनके सामने श्रीफल चढ़वाएंगे। बैठो हमारे वहीं से जल्दी। हाँ अखिल भाई बुलवाओ, जल्दी अखिल बोलो। किस गौरव सिरोधिया जी हमारे जिलाध्यक्ष, गुरुदेव के प्रिय शिष्यों में एक हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, उनसे निवेदन अपना उद्बोधन देकर हम सभी का मार्गदर्शन करें आदरणीय गौरव सिरोधिया। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आचार्य श्री विरंजन सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि महाराज जी का आदेश है, महाराज जी पधारने वाले हैं आचार्य श्री जी, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात को विराम दूंगा। सम्मानीय मंच, आज इस युवा सम्मेलन में उपस्थित सभी युवा साथीगण, साथियों, युवा का जब शब्द हमारे कानों में आता है तो युवा का मतलब होता है, जब हम उसको परिवर्तित कर दे तो वायु, और वायु वो जो जब चलती है तो आंधी भी होती है, तूफान भी होता है, और परिवर्तन करने का काम भी युवा वायु ही करती है, और वो वायु युवा के रूप में हम सबको परिणत होती है। इसलिए हम इस उस भारत देश में रहने वाले लोग हैं जो सबसे युवा देश है पूरे विश्व के अंदर। इसलिए हम सभी इस भारत का युवा कैसा हो, मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूं कि भारत का युवा हो स्वामी विवेकानंद जैसा, भारत का युवा हो चंद्रशेखर आजाद जैसा, भारत का युवा हो भगत सिंह जैसा। भारत का युवा वो नहीं हो सकता कि मोटरसाइकिल तेज चलाते हुए और एक हाथ में सिगरेट लेते हुए धुएं का गुल छर्रा उठाए, ये भारत का युवा नहीं हो सकता। भारत का युवा वो ही है जो इस संस्कृति को, इस सभ्यता को, इन संस्कारों को, भारत को आगे बढ़ाने का काम करे, वही सच्चा भारत का युवा है। मैं यही, चूंकि महाराज जी का आदेश है, हमारे और भी वक्ता हम सभी को महाराज श्री का
आचार्य श्री का आगमन भी हो रहा है। मैं आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और बस एक ही बात करूंगा कि हम सभी युवा साथी इस भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस भारत को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, पूनम जैनाए जतारा गौरव सिरोधिया जी का मंगल उद्घोषण हमें प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थानों से खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस नगर के गौरव पूनम जैन राष्ट्र संत अखिल भाई पूनम जैन आए। जतारा से पूनम जैन मंगलाचरण के लिए आवाज दूंगा, आए मंगलाचरण करें। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। बोले परम पूज आचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, ज्ञानी ध्यानी सरल स्वामी जन जन के संत गुरुवर श्री व्रंजन सागर जी महामुनिराज की, गुरु भर के समागम की कुछ बात निराली है, बिन रंग के होली है, बिन दीप दिवाली है। ये गुरुदेव जहाँ जाए जंगल भी मंगल हो, पतझड़ में बहार आए मौसम भी मुस्काए, देवों ने चरण रजिए माथे पे लगा ली है, बिन रंग के होली है, बिन दीप दिवाली है। गुरुवर विरंजन मेरे अनुपम है शिवालय से, वासल्य सुधा झरती तप त्याग हिमालय से, हो नजर जहां गुरु की छाई हरियाली है, बिन रंग के होली है, बिन दीप दिवाली है। गुरुवर के समागम की कुछ बात निराली है, बिन रंग के होली है, बिन दीप दिवाली है। चरिया अनुशासन से तुम्हें भी सुन जाना है, हो महावीर जैसे ये सब ने माना है। मूरत ये परम पावन हृदय में बसाली है, बिन रंग के होली है, बिन दीप दिवाली है, बिन रंग के होली है, बिन दीप दिवाली है, बिन रंग के होली है, बिन दीप दिवाली है। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थिनम पूजिकम चरणिनम वंदिनम मुनिवरम साधुनम, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। ये गुरु हमारे गहने हैं, इनके गुण हमको गाने हैं, इन गुरुओं का भैया हो, इन गुरुओं का भैया क्या कहना, इनके चरणों में झुक जाना,
ये गुरु हमारे गहने हैं, इनके गुण हमको गाने हैं। इन गुरु कन्हैया हो, इन गुरु कन्हैया क्या कहना, इनके चरणों झुक जाना। दिप्त घोष वाले, दिप्त घोष, दिप्त घोष, ओम ओम ओम। आचार्य संघ मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और नगर गौरव बोलिए राष्ट्र संत गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आचार्य संघ मंच पर विराजमान हो रहे हैं, आप लोग मंच पर से स्थान खाली कर दें। जो मेरे युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं उनसे निवेदन है आपके नीचे बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, वहां पर बैठ जाएं। यहाँ के वॉलंटियर जो भी है, मंच को संभालने वाले वॉलंटियर जो यहाँ व्यवस्था राजा भैया उनके वॉलंटियर जो है, संजय सवाई जी और मंच को खाली करवाए, सभी को मंच पर से जो युवा मंचासीन बैठ जाएं, मंचासीन जितने अतिथि हैं वो अपने घोष वाले बंद कर दें, ये आवाज ध्वनियां बंद कर दें। आचार्य श्री मंच पर आ चुके हैं अपने संघ के साथ, बैठे बैठे भी। और सारे युवा साथी नीचे जाएं। हाँ नेहा जी जल्दी बोले, नेहा। और मैं दिव्य घोष मंडली बंद कर दे, दिव्य घोष मंडली आवाज की ध्वनियां बंद कर दे, हमारे सहायकर के जो जैनम के और हमारे आज के कार्यक्रम की अभी मंच पर उनको बुलाया जाएगा। और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कुशल समाज सेवी आदरणीय नेहा बग्गा जी, जो इस पथरिया समाज के छोटे से आमंत्रण पर गुरु चरणों में दर्शन को आई है, वो हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है। उनसे निवेदन आए और गुरु चरणों में अपना अभिभाषण देकर हम सभी को मार्गदर्शन करें। आदरणीय नेहा बग्गा जी, आज के इस बहुत खूबसूरत जैन समाज के द्वारा जो युवा सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री विराग जी महामुनि जी के चरणों में मैं सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ, सर्वप्रथम गुरुवर से आशीर्वाद चाहती हूँ। और आज ये सौभाग्य है कि उनके चरणों में आने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ जब मैं तैयारी कर रही थी तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि जैन का जो अर्थ है उसको ढूंढूं, और जैन से जो निकला वो जिन निकला, और जिन का अर्थ था कि जो अपने आप के ऊपर जीत पा लेते हैं वो जैन है, जो इस पूरी प्रक्रिया को जीत लेते हैं वो जैन है। और मुझे लगता है कि जब युवा यहाँ पर उपस्थित है तो वो युवा यहाँ पर इस विश्व को, इस प्रदेश को, इस देश को जीतने के लिए बैठा हुआ है। लगातार जिस प्रकार से सिर्फ देश को नहीं बल्कि विश्व भर के अंदर जो हवा का रुख बदल रहा है वो हमारा युवा है। और इसीलिए एक संस्कृत का श्लोक भी मुझे याद आता है जिसमें कहा जाता है कि उद्मेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं को इस श्लोक को विशेष तौर पर याद रखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आपके जो कार्य हैं वो पूरे नहीं हो सकते। इसलिए अगर सिंह भी सोचे बैठकर कि उसके मुंह में आकर मृग प्रवेश कर जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है तो निरंतर आगे चलना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, और उसके लिए युवा बना हुआ है, युवा शक्ति उसी के लिए बनी हुई है। आप लोग जिस तरीके से इस युवा सम्मेलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, आप लोग अलग अलग माध्यम से आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रेरणा देंगे, तो निश्चित तौर पर जिस लक्ष्य को हम लोग लेकर निकले हैं उसको पूरा करेंगे। एक जो अहिंसा की भावना है, एक जो प्रेम की भावना है, एक जो त्याग की भावना है, और जैन समाज जिसका प्रतीक है, युवा जिसका प्रतीक है,
जिस ललक के साथ हम आप सब चल रहे हैं उसको निरंतरता देते रहिए। आज मैं अपने आप को वाकई में बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही स्नेही, बहुत ही कर्मशील विधायक जी भी उपस्थित हैं, शैलेंद्र जैन जी, और लगातार मुझे लगता है कि युवाओं को वो प्रेरणा देते हैं और बहुत युवा व्यवस्था से जिस तरीके से वो परिश्रम कर आगे चले हैं, आप सबको लगातार इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गौरव सिरोठिया जी हमारे बीच में है, सिद्धार्थ मलैया जी हमारे बीच में है। ये नेतृत्व जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है बल्कि आपके समाज का भी नेतृत्व करता है, और आप निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी पंक्तियों को मैं अंत करूं, अपनी बात को मैं अंत करूं, उससे पहले मैं अरिहंतों को नमस्कार करना चाहती हूं, सिद्धों को नमस्कार करना चाहती हूं, आचार्यों को नमस्कार करना चाहती हूं, उपाध्यायों को नमस्कार करना चाहती हूं, सभी साधु संतों को नमस्कार करना चाहती हूं। बोलिए महावीर महाराज की जय। आप लोग युवा हैं, मुझे लगता है आवाज आनी चाहिए। महावीर स्वामी जी की जय, एक साथ बोलिए, बोलिए महावीर स्वामी जी की, महावीर स्वामी जी की, महावीर स्वामी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरी बात को सुना, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इन्होंने, नेहा जी ने बहुत अच्छी सुंदर बातें की है। मेरा श्रीकांत अनेकांत भैया और महाराज लोगों को एक बार बोले, यहाँ पर सामने जितने भी युवा वर्ग जो खड़े हुए हैं सभी युवा वर्ग बैठ जाएं, पहले आप ही लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं। कैमरा वाले भैया अपने अपने कैमरा एक एक व्यक्ति संभालें और बैठ जाएं। यहाँ सामने जो दादाजी खड़े हैं इनको बैठा लें, आइएगा। और एक मिनट में आज एक दिव्य घोष प्रतियोगिता हुई यहाँ पर, और दिव्य घोष प्रतियोगिता में हमारे यहाँ 10 जगह से दिव्य घोष यहाँ पर आए हुए हैं, और उन दिव्य घोषों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। उनका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर पुरस्कार दिया जाए पूज्य गुरुदेव के समक्ष, और सभी को सांत्वना पुरस्कार, सभी का सम्मान यहाँ पर किया जाए। तो उसके पहले हमारे बीच में हमारे सागर नगर के विधायक शैलेंद्र जी अपने बीच में हैं, वो आए और अपने गुरु चरणों में शब्द रखें। आइए शैलेंद्र भैया। बोलिए देवाभिदेव, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, अहिंसामय जैन धर्म की। विराट सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित करता हूं, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूं, आरिका संघ के चरणों में वंदाने प्रेषित करता हूं, और हमारे बुंदेलखंड के गौरव ऐसे जनसंत परम पूज्य मुनिश्री 108 विरंजन सागर जी महाराज के नेतृत्व में ये युवा शक्ति को प्रदर्शित करने वाला ये सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ है। मैं आचार्य संघ की ओर से, मैं अपनी और मंचासीन आयोजकों की ओर से आप सभी युवा शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सागर के सम्मानीय जिले के अध्यक्ष भाई गौरव सिरोठिया जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सम्मानीय प्रवक्ता के रूप में जिनकी एक पूरे प्रदेश और देश में एक अलग तरह की छवि और पहचान है, नारी शक्ति की प्रतीक हैं, सुन रही हैं आप लोग, नारी शक्ति के प्रतीक हैं, जोरदार ताली बजा के बहन नेहा जी का हम सम्मान करना चाहते हैं। हमारे बीच में इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आपकी चिर परिचित रामबाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूर्व विधायक, मेरे
अनन्य सहयोगी सम्मानी लखन पटेल जी भी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये युवा सम्मेलन को आयोजित करने के पीछे एक ऐसी युवा शक्ति ने, एक ऐसे युवा मस्तिष्क ने जन्म दिया। जब वह सागर में थे तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा प्रयोग हो जो परम पूज्य विरंजन सागर जी महाराज जी के माध्यम से ना हुआ हो। जैन समाज की जितनी शक्ति है, अलग अलग जो बटी हुई थी, चिकित्सकों के रूप में, अधिवक्ताओं के रूप में, अलग अलग विधाओं में काम करने वाले लोगों का एकत्रीकरण करके सम्मान किया गया और पूरी समाज को एकत्रित करने का उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, मैं परम पूज्य विरंजन सागर जी महाराज को सागर की सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज आप सभी जानते हैं, हमारे गौरव जी कह रहे थे, इस समय पूरे विश्व में सबसे युवा देश जो है वो भारतवर्ष। और जब भारतवर्ष सबसे युवा है तो सबसे युवा होने के नाते आज भारतवर्ष पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। आज अगर पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पे, महत्वपूर्ण स्थानों पे अगर कोई एक युवा शक्ति विराजमान है तो भारतवंशी हमारे देश के गौरव विराजमान है। चाहे वह नासा का विषय हो, चाहे हमारे व्हाट्सएप और ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे वह यूके के प्रेसिडेंट का मामला हो, वर्षों तक भारतवर्ष पे और दुनिया के अनेक हिस्सों में, कहते हैं कि अंग्रेजों का कभी सूरअस्त नहीं होता था, ऐसे यूके में, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे भारतवंशी ऋषि सुनक जी ने वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पे उसको सुशोभित करके भारतवंशियों का, युवाओं का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है। आज मैं युवा शक्ति से आह्वान करना चाहता हूं, ये युवा शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती। युवाओं में वो ताकत है, युवाओं में वो शक्ति है, युवाओं में कुछ करने की तमन्ना है, जज्बा है, जज्बात है। मैं तमाम युवा जो यहां उपस्थित हैं उन सब से कहना चाहता हूं कि ये धार्मिक क्षेत्र में थोड़े संक्रमण का युग है। इस संक्रमण के युग में आप लोगों ने नेतृत्व करना है। अभी हम दशहरा के पर्व पे गए, सागर में लगभग 125 दुर्गा जी की प्रतिमाएं विराजमान होती है महाराज श्री। सारे के सारी दुर्गा प्रतिमाओं के दो अध्यक्ष थे, वो 25 से 35 वर्ष के युवा थे। गणेश उत्सव समिति के जितने अध्यक्ष, आयोजन समिति के लोग थे, वो 35-40 से सब नीचे आयु के लोग थे। और आप देखते होंगे जब हमारे साधु संत बिहार करने निकलते हैं तब उनके साथ और कोई शक्ति नहीं, युवा शक्ति होती है जो उनका बिहार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। क्योंकि समय काफी हो गया है, अंत में युवाओं से दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। संक्रमण के दौर में संकल्प से निर्णय करो। तुम युवा शक्ति से आह्वान करना चाहता हूं, संक्रमण के दौर में संकल्प से निर्णय करो। तुम विधाता राष्ट्र के, नवराष्ट्र का सृजन करो। तुम आज के इस अवसर पे आचार्य श्री के आदेश पर, मुनि श्री विरंजन सागर जी के आदेश पे हम सब यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं आचार्य श्री के चरणों में बारंबार
नमोस्तु प्रेषित करता हूँ मुनि संघ को, आरिका संघ को और मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रेषित करते हुए। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसा विशाल आचार्य संघ मुनि संघ यहाँ पर विराजमान है। पथरिया के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला समय काल है। इसको पथरिया के इतिहास में शायद ही कभी दोहराया जाएगा, ऐसा विलक्षण संयोग यहाँ आप सबको मिला है। आप सबको इसका पूरा का पूरा उपयोग करना चाहिए। मुझे अपनी बात कहने का आप सब ने यहाँ जो सम्मान किया उस सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं जैन समाज के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, मैं अकेले सागर नगर का विधायक नहीं हूँ, जैन समाज के लोगों ने प्रतिबद्धता के साथ मुझे, पूरे बुंदेलखंड के लोगों ने सागर में आके मेरे समर्थन में रैलियां की और एक वायुमंडल बनाने का काम किया। तो मैं आप सबका जनप्रतिनिधि हूँ और जब मेरी आवश्यकता आपको हो मैं सदैव आपके साथ हूँ, यह आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आरिका संघ की। बहुत अच्छा। यहाँ पर हमारे सागर नगर के विधायक सैलन जी ने कहा और अब चलते हैं आगे अगले क्रम में। पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए अपन सभी बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव के वचनों के लिए सुनने के लिए लालायित हैं। अपन ने सभी प्रांतों से युवाओं को बुलाया है, तो एक रायपुर भाटापारा से हमारे अरविंद जी अली जी यहाँ पर आए हैं। सिर्फ दो मिनट में अपनी बात गुरु चरणों में रखेंगे और रायपुर भाटापारा से यहाँ पर राष्ट्रीय विराग युवा मंच के कोषाध्यक्ष भी हैं और यह अपनी युवा शक्ति को लेकर के यहाँ पर आए हैं। आए दो शब्द और हमारे अशोक जिन बाणी लाड़ी ले लघु भ्रांत प्रभु राम, ऐसे गुरु विरागी को बंदो बारंबार, बंदो बारंबार। आज परम पूज्य गुरुदेव ने सौभाग्य दिया, गुरुदेव की कृपा अनुकंपा, गुरुदेव के चरण में वंदन करते अपनी बात को कहता हूँ कि संसार में यूनिवर्सिटी दो होती हैं और एक यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, फीस लगती है, सब कुछ लगता है, लेकिन उसमें सब बच्चे इतने ही कर सकते हैं कि सर्विस कर सकते हैं। और संसार की दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो आचार्य भगवान विराग सागर जी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें पढ़े हुए युवा साक्षात भगवान बन सकते हैं, आरका माता जी बन सकती हैं और आगे मोक्ष मार्ग पर जा सकती हैं। तो मैं आज सारे युवाओं से बोलता हूँ, युवा सम्मेलन में बोलता हूँ कि निवेदन है कि आज गुरुदेव की यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लें और गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पण करके और अपनी आत्मा का काल कल्याण करें। यही मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव ने दो मिनट का समय दिया हुआ है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। जितने युवा बैठे हैं यहाँ पे सभी भावों से चरण प्रचारण करेंगे, सभी अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। चरण गुरु के आज पखारे श्रद्धा के जल से, हाथ हमारे पावन होंगे गुरु चरणा छू के, करो गणचार को नमन विरा गुरुदेव को नमन, करो गणचार को। अपने बीच में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघस्थ ब्रह्मचारी भैया गण यहाँ पर आए हुए हैं, गुरु चरणों में
श्रीफल भेंट करेंगे संघस्थ भैया आचार्य विशुद्ध सागर जी के। यहाँ पर ये भी युवा शक्ति ही है जो युवा वर्ग जिन शासन की जय घोष करेंगे और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन युवाओं के लिए जो ब्रह्मचारी भैया सभी आचार्य भगवान के संग में हैं। युवा सम्मेलन में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइएगा और इसी बीच दिव्य घोष हमारे जो यहाँ पर आए हुए थे सहगर के दिव्य घोष सभी बच्चे यहाँ पर अभय जी जूस जलूस व्यवस्था में उनकी पूरी टीम आ जाए और उनका सम्मान करें सहगर के दिव्य घोषों का। पाद प्रक्षालन वालों का सम्मान यहाँ पर हमारे श्रीकांत भाई यहाँ आए वरुकुल जी अंकित भाई आए हमारे कमलेंद्र जी जबलपुर तृतीय स्थान प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने तीसरा हमारे सिद्धार्थ भैया सिद्धार्थ मलैया जी और राम भाई जी विधायिका हमारी पथरिया के और श्रीकांत भैया इधर आओ सर इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। महिला मंडल जबलपुर दिव्य घोष लेकर के आई हैं और इनको सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है चिन्मय दिव्य घोष भोपाल। अब थोड़ा सा इंतजार करिएगा तीसरा दिव्य घोष प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है अभी आपका नाम घोषित किया जाएगा। उसके पहले दूसरे दिव्य घोष वाले आ जाएं चिन्मय दिव्य घोष भोपाल। जो जलूस व्यवस्था समिति यहां पर है वह इनका सम्मान करेगी। भैया आप लोग बैठ जाओ वहीं पर पांच मिनट पहले पूज्य गुरुदेव का सुन लें अपन। बैठो बैठो बैठ जाओ वहीं पर। वर्धमान युवा मंडल और अभी सम्मान जिनके होने वो बाद में करेंगे। सम्मान हुआ सब सम्मान बाद में करेंगे। हेलो भैया हमारे क्या नाम है सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धेभ्य नमो अरिहंतारं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो अज्ञायानं नमो लोये सवेसाहुनं। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। युवा सम्मेलन चल रहा है युवाओं की बात चल रही है और जयकारा इतने धीरे से बोला जा रहा है। एक बार दोनों हाथों का श्रीफल बनाइए। पूज्य गुरुदेव के पास तक मैं यहाँ तक आप सबको नहीं बुला पा रहा हूँ। मुझे पता है कि दिव्य यहाँ पर युवा शक्ति चारों तरफ से आई हुई है चाहे वो दमोह हो बांसा हो ग्रहकोटा हो चाहे पथरिया कैरवना खररी बटियागढ़ वक्सवाहा साहेगढ़ हीरापुर बुरहमलेरा भगवा बिजावर सटई और भोपाल भिंड ग्वालियर इंदौर से कंधवा से सागर से समस्त चारों तरफ से युवा शक्ति यहाँ पर है। सबको यहाँ पर श्रीपल गुरुदेव के चरणों तक
आप सबको नहीं बुला पा रहा हूँ, मंच की गरिमा है, लेकिन आप अपना अपना श्रीफल जहाँ बैठे वहीं पर हाथ का श्रीफल बना लीजिएगा, बना लीजिए जल्दी, अपने सिर के ऊपर रखिएगा, ऊपर करिएगा श्रीफल, और पूज्य गुरुदेव के लिए वहीं से श्रीफल चढ़ाते हुए नमोस्तु बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आपका श्रीफल यहाँ पर हो चुका है, अभी एक बार जयकारा और लगा लें अच्छे से। जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। आवाज कमजोर है युवाओं के हिसाब से। बोलिए मूल नायक बनने वाले पथरिया के विराग उदय तीर्थ के मूल नायक धर्मनाथ भगवान की, धर्मनाथ भगवान की। आचार्य प्रवर गुरुदेव वीराग सागर जी महा मुनिराज की। समस्त आचार्य परमेष्टी भगवंतों की। साथ साधु का हो बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, रखा हुआ पैर मंजिल को पा नहीं सकता, बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता, रखा हुआ पैर मंजिल को पा नहीं सकता। और जिन जिन भक्तों पर गुरुवर का आशीर्वाद है वो अंधेरे में कभी ठोकर खा नहीं सकता है, अंधेरे में भी कभी ठोकर खा नहीं सकता। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज ब्राग उदय तीर्थ का महा महोत्सव का मंगलाचरण यहाँ प्रारंभ हुआ है। यति सम्मेलन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव जो विश्व के इतिहास में एक ऐसा अनुष्ठान और एक ऐसा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जहां पर एक साथ 81 जिन मंदिरों के पंच कल्याणक 81 पात्रों के द्वारा किया जा रहा है, सौभाग्य है पुण्य है कि ऐसे महा महोत्सव के पावन अवसर पर आज मंगलाचरण युवा शक्ति से प्रारंभ हुआ है। युवा का मतलब है ऊर्जा, कार्य शक्ति करने की क्षमता, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता है वही सब युवा हैं, चाहे वह 15 साल का हो और चाहे 85 साल का हो, वो भी युवा ही है। उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, उसके लिए अंतरंग में भावनाएं हैं कि मुझे समाज सेवा में कुछ अग्रणी कार्य करना है। मेरे युवा साथियों, आज हम देखते हैं कि आज हमारी युवा शक्ति दिशाविहीन हो रही है, आज हमारी युवा शक्ति संस्कार और संस्कृतियों से दूर भाग रही है, पाश्चात्य संस्कृति में के चलन में आगे चल रही है। लेकिन आज ऐसे गुरु चरणों में आप सबको बुलाया है, ऐसे गुरु चरणों में आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है कि हमारी युवा शक्ति जो दिशाविहीन हो रही है, जो आज युवाओं के अंदर नशा की आदत आ चुकी है, जो आज युवा शक्ति हमारी समाज की सेवाओं से, अपने कर्तव्यों से, अपने माता पिताओं के दायित्व से दूर भाग रही है। हमारी वो भारतीय संस्कृति है जिस भारतीय संस्कृति में संस्कार और संस्कृति का शंखनाद किया है, जहां पर संस्कार और संस्कृति का शंखनाद होता रहा, ये वो भारतीय संस्कृति है जिस भारतीय संस्कृति में जब युवाओं की बात आई, जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र के लिए कहा कि मेरे पुत्र
तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। तो ये भारतीय संस्कृति का इतिहास है कि जहाँ पर राम ने तुरंत अपने पिता दशरथ के चरण छू लिए और कह दिया, पिताजी जो आज्ञा आपकी है उस आज्ञा का आदेश का पालन करेंगे। ये वो भारतीय संस्कृति है जहाँ भारतीय संस्कृति में जब आदि राजा जब अपनी पुत्रियों के विषय में विचार करते हैं, जब पुत्रियों को ये पता चलता है कि मेरे पिता का सिर तीनों लोकों में ऊंचा रहता है, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो इनका सिर भी किसी के सामने झुकेगा, तो उन ब्राह्मी और सुंदरी को ये जब मालूम पता चला कि हमारी शादी में हमारे पिता का सिर किसी के सामने झुकेगा, तो इस देश की संस्कृति की सभ्यता ये है कि हमारी उन दोनों बच्चियों ने ब्राह्मी और सुंदरी ने पिता के सामने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया कि पिता मैं आपका सिर सम्मान से झुकने नहीं दूंगा। ये है भारतीय संस्कृति। लेकिन आज हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है? पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति वाले कहते हैं विश्व एक व्यापार है, यहाँ पर व्यापार करिए। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति भले ही कहती है विश्व एक व्यापार है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक व्यापार नहीं, विश्व एक परिवार है। यहाँ हर किसी जीवों को जीने का अधिकार है और ये विश्व एक परिवार की तरह रहता है। विश्व में हमें एक दूसरे के साथ परिवार की तरह रहना है। आज युवा शक्ति यहाँ पर बैठी है क्योंकि युवा शक्ति जिस काम में जुट जाए, जिस कार्य में लग जाए, वो कार्य पूर्ण करके रहती है। युवाओं में जोश है, युवाओं में जोश है, वृद्धों में होश है। ऐसा नहीं कि वृद्धों की जरूरत नहीं है, वृद्धों की भी जरूरत है। वृद्धों में होश है और युवाओं में जोश है। और जब जोश और होश दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जिन धर्म की जय घोष होती है, जिन शासन की जय घोष होती है, जोश और होश के साथ किया हुआ काम हमेशा सफलता को देने वाला होता है। और वह जोश और होश के साथ कार्य करना है, हमें होश वालों की भी जरूरत है और जोश वालों की भी जरूरत है, और जोश और होश के साथ को कार्य को करना है। आज यहाँ पर सारे जगह से युवा शक्ति आई है, मैं सभी से एक कहना चाहूँगा कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें कि युवाओं का क्या कर्तव्य है, युवाओं का क्या दायित्व है। अभी पूज्य गुरुदेव बताएंगे युवाओं का दायित्व, युवाओं का कर्तव्य। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हमारे साधु संत जब विचरण करते हैं, हमारे साधु संत जब निकलते हैं, तो इन वृद्धों का इतना नहीं है कि वो पैदल चल सकें, पैदल विहार कर सकें। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पैदल चले, बहुत आहार व्यवस्था बनाई, साधुओं की सेवा की है, लेकिन अब जरूरत है हमारी युवा शक्ति के लिए आगे आने की कि जब भी कोई दिगंबर साधु आपके नगर में आता है तो युवाओं के लिए 5 किलोमीटर दूर लेने जाना है और 5 किलोमीटर दूर तक छोड़ने जाना है। ये युवा शक्ति का कर्तव्य है, दायित्व है कि हमारे नगर में यदि कोई साधु संत आते हैं तो उनकी सेवा संरक्षण करना। आज हमें अपने पंथवाद, संतवाद, जातिवादों को एक तरफ रख करके हमें सिर्फ अपने जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना और अपने भगवंतों की वह जय घोष करना है। आज हम देखते हैं हमारी संस्कृति पर कुठाराघात आए दिन होता जा रहा है और आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्रों की व्यवस्थाएं भंग हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि बुंदेलखंड के सारे युवा वर्ग कम से कम 5,000 युवाओं का एक संगठन बन जाए और वो सारे युवा संगठन बन करके एक साथ जब भी कोई कार्य बने तो एक आवाज में वह सब उपस्थित हो जाए और सारे लोग एकत्रित होकर के और जिन शासन की जय घोष कर सकें, ऐसी युवा शक्ति से आह्वान करना चाहूँगा। और आज पथरिया नगर में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
जहां इस मंच पर आप देख रहे हैं कि अधिक मात्रा में युवा साधु ही विराजमान हैं, युवा साधु ही विराजमान हैं और वह जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, तो इनसे अपन को सीख लेना है कि हम जितने भी युवा वर्ग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि सभी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी से चाहूँगा आपको अपने परिवार की उन्नति चाहिए, समाज की उन्नति चाहिए, तो हमारे युवाओं को नशा से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आज युवा वर्ग ड्रिंक नशा में सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं। तो आज संकल्प कर लें इस मंच से और ये भावना बना लें कि हम अपने जीवन में कोई नशा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की ड्रिंक नहीं करेंगे, कोई भी नशे की आदत में नहीं फंसेंगे। तो मैं चाहूँगा कि युवा सम्मेलन करना अपना सार्थक और सफल होगा, क्योंकि आप एक युवा हजारों को सुधार सकता है, एक युवा हजारों को सूर्य रोशनी दिखा सकता है और वह आगे बढ़ा सकता है। समय अपनी गति से चल रहा है, आज गुरु चरणों में संकल्प कर लें कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। कितने युवा वर्ग चाहते कि हमारा जीवन सुंदर बने, परिवार का जीवन सुंदर बने, हमारी समाज हमारे नगर का नाम रोशन हो, ऐसे कितने युवा चाहते हैं, वो हाथ ऊपर कर लें एक बार, 1, 2, 2.5, 3, बस जी। आगे बैठे जितने सब करेंगे, मतलब जिन जिन का नशे का त्याग है और जिनका नहीं है, तो आज से संकल्प कर लो, दोनों हाथ उठाइएगा ऊपर, आधे हाथ उठ रहे हैं, आधे नहीं उठ रहे। भैया शराब का किस किस का त्याग है, हाथ उठाओ, आज संकल्प कर लो गुरु चरणों, कोई सी शराब नहीं, ना देसी ना विदेशी। अंदर बोल आचर से ये लोग बोलते हैं कि महाराज हम कौन सी वो देसी वाली पीते, वो आजकल बियर पीते हैं, बियर भी वो शराब में ही आती है। किसी प्रकार का कोई नशा अपने जीवन में नहीं करेंगे। आज पूज्य गुरुदेव से अपन सभी और सुनेंगे, पूज्य गुरुदेव अपन को मार्गदर्शन देंगे। मेरा सभी से यही कहना है, उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपने सिर्फ अर्थव्यवस्था में ना लगे रहें, आप सिर्फ धन के पीछे ना भागें, धर्म के पीछे भी भागें। धर्म के साथ चलोगे तो धन भी आएगा, धर्म भी बचेगा। आप अपने कर्तव्य का, दायित्व का, और आज हमारे युवाओं को चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी आगे आए और राजनीतिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें, कि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला, हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाला भी आगे बढ़े। ऐसे सभी युवाओं के लिए चाहिए समाज सेवा भी करें और अपने राजनीतिक क्षेत्रों पर भी आगे बढ़ करके अपना कदम आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि इस युवाओं में वो शक्ति है, वो ताकत है जो देश को आगे चला सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही मंगल भावना भाएंगे कि हे पूज्य गुरुदेव, ये सारी युवा शक्ति आपके समक्ष यहाँ पर आई हुई है और मैं चाहूँगा कि ये महामहोत्सव में युवा शक्ति मात्र आज ही उपस्थित नहीं, हर 15 दिन ऐसी ही युवा शक्ति यहाँ उपस्थित होती रहे और यहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोगी बने, व्यवस्थाओं में कार्यों में समय दें, उन व्यवस्थाओं को संभालें और इस महोत्सव को महामहोत्सव की ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये तो आप सबका सौभाग्य है बुंदेलखंडवासियों का कि एक साल के अंदर अंदर 2-2 महामहोत्सव बुंदेलखंड के अंदर हो रहे हैं, वो भी दोनों दमोह जिले में भी हुए हैं। पहला महामहोत्सव पिछले वर्ष फरवरी में कुंडलपुर में वहाँ पर हुआ, जहाँ साधुओं का समागम हुआ था, और यहाँ दूसरा महामहोत्सव पथरिया में महामहोत्सव चल रहा है, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, जहाँ इतना महामहोत्सव में 300 साधु इस मंच पर विराजमान होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आप पात्र बन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को जगा सकते हैं। हमारे इस महामहोत्सव के प्रमुख पात्र तो सौधर्मेंद्र दमोह के विनय मलय जी, जो पथरिया निवासी हैं, दमोह में रहते हैं,
वह बन चुके हैं, उनके साथ पूरी मुख्य पात्र बन चुके हैं। और 81 में से जो 80 धर्मेंद्र बनना है वो भी कुछ मात्राओं में 50 से 70 के बीच में बन चुके हैं, मात्र 5 से 10 ही नाम बाकी रह गए हैं। और आप देख रहे हैं आजू बाजू में ये सब 40 इस तरफ और 40 इस तरफ मंडप लगेंगे, जहां सौधर्मेंद्र कुबेर माता पिता विराजमान होंगे, वहां पूरे पंचकल्याणक की क्रियाएं चलेंगी, यहां इस मंच से क्रियाएं चलेंगी। अब 81 विधि नायक भी हैं और एक साथ 81 विधि नायक सौधर्मेंद्र क्रिया करेंगे, आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यहां पर इसके साथ साथ वह जो लोकांतिक देव हैं, लोकांतिक देव बन करके भी पुण्य अर्जन कर सकते हैं। एक दिन का ही कार्य है लोकांतिक देवों के लिए, 8 तारीख का, और 8 तारीख को लोकांतिक देव बनना है। उसकी राशि भी बहुत छोटी सी राशि रखी हुई है, और उस राशि का देकर के आप अपना पुण्य कमा सकते हैं। इतने महामहोत्सव में आप जो भी नाम लिखाना चाहें तो यहाँ इस मंच से नाम लिखा सकते हैं। आइएगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में, यही मंगल भावना भाते हैं। पूज्य गुरुदेव, आज युवा सम्मेलन में हमारे सिसल वरकुल, श्रीकांत, प्रदीप, अखिल भाई और इन सब ने बहुत अच्छी मेहनत करके और युवा सम्मेलन की पूरी तैयारियां की हैं, और इन सब के साथ साथ संरक्षण हमारा सिद्धार्थ भैया दमोह उनका रहा है, उन्होंने हमेशा इन लोगों के लिए प्रोत्साहन दिया कि आप लोग कार्य करें, हम आपके पीछे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सिद्धार्थ भैया के लिए और शैलेंद्र विधायक जी और यहाँ की रामबाई जी विधायिका, हमारे गौरव सिसोदिया जी जो भी यहाँ पर मंच पर आए, गौरव पटेल, उनके लिए भी, सभी लोगों के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद है। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और कार्य करते जाएं। इस युवा सम्मेलन में हमारे खरगापुर दिगंबर जैन समाज गुरुदेव से निवेदन करना चाहेगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जहां भी खरगापुर वाले बैठे हैं, और पूरी निवेदन करना चाह रही है कि पूज्य गुरुदेव आगामी समय में 1 मई से 6 मई तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, गजरथ महोत्सव खरगापुर में के इतिहास में अभी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं हुई है, और लगभग 180 साल का इतिहास हो गया है, अभी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव खरगापुर में नहीं हुआ है। पूज्य गुरुदेव 1 मई से 6 मई तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसका निर्देशन मैं कर रहा हूं, और मैं स्वयं आपके चरणों में और सकल जैन समाज खरगापुर समाज निवेदन करती है कि आपके मंगल सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना हमारी खरगापुर दिगंबर जैन समाज की है। और 2 मई को आपका जन्म दिवस भी आता है, तो हम सबकी भावना है कि वो सब 2 मई का कार्यक्रम खरगापुर में ही मनाएं, ऐसी मंगल भावना सकल जैन समाज खरगापुर आ जाएं। और वहीं पर हमारे सभी आसपास की क्षेत्र के युवा शक्ति जो आए हुए हैं उन सबके लिए भी गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है। और ऐसे ही युवा साथी, चाहे वो मलेरा के हों, चाहे भगवा के हों, घुआरा के हों, बड़ा मलेरा के हों, चाहे वह हीरापुर, चाहे साहेगढ़ वाले हों, बक्सवाहा वाले हों, और चाहे यहाँ केरबना, यहाँ पर खरेरी, दमोह, बांसा, गराकोटा, सागर, जहाँ जहाँ से भी युवा शक्ति, भिंड से, ग्वालियर से, भोपाल से, जहाँ जहाँ से युवा शक्ति, पथरिया के समस्त युवाओं के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभा करके इस कार्य को किया, हमारे जलूस व्यवस्था में अभय भाई की पूरी टीम लगी हुई है, दिव्य घोष प्रतियोगिता का यहाँ कार्य किया, उनके लिए भी यही भावना करूँगा कि अभी 15 दिन और मेहनत करना है सबके लिए, और 15 दिन पथरिया के युवाओं के लिए शालीनता का परिचय और अपनी सभ्यता का परिचय देकर के इस कार्य को सानंद संपन्न कराना है। पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में खरगापुर दिगंबर जैन समाज निवेदन करना चाह रही है कि मई में होने वाला पंचकल्याणक आपके सानिध्य में हो और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं समस्त खरगापुर दिगंबर जैन समाज। और इस युवा सम्मेलन में
ये खड़गापुर दिगंबर जैन समाज सभी आचार्यों से भी निवेदन करना चाह रही है कि पूरा संघ खड़गापुर में पहुंच करके पंच कल्याणक में आशीर्वाद दे, ऐसी भावना सब लोग भा रहे हैं। और सभी आचार्य परमेष्टियों का इस युवा सम्मेलन के लिए मार्गदर्शन रहा, समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे हैं, उन सबका भी आभार व्यक्त करके उनके चरणों में यही भावना भाते हैं कि छोटों का प्रोत्साहन ऐसे ही देते रहें, ऐसे ही प्रोत्साहन बनाते रहें, आप सबका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए मिलता रहे। आइएगा पूज्य गुरुदेव को सुनते हैं, बैठिए सभी लोग। ओम शांति। पूज्य गुरुदेव का माइक वहाँ चालू करें। और यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है दिव्य घोष प्रतियोगिता में वर्णी व्यायामशाला मरावड़ा, जिन्होंने बहुत सुंदर एक सी ड्रेस में दिव्य घोष की प्रस्तुति दी है। और यहाँ पर सभी दिव्य घोषों से कहूँगा कि आप फेरी के दिन भी 10 तारीख को अपना अपना दिव्य घोष की प्रस्तुति दें। अभी बैठ जाएं, अभी सम्मान कराएंगे, अभी रुको। पूज्य गुरुदेव का सुने पहले, पूज्य गुरुदेव को सुन लें। व्यायामशाला वाले बैठें और माइक चालू करें पूज्य आचार्य भगवान का। इस महोत्सव में पूज्य आचार्य भगवान का मार्गदर्शन मिले, हमारे जलूस व्यवस्थापक, हमारे संयोजक अभय भैया, उनकी पूरी टीम, हमारे युवा साथियों का पट्टा डाल करके सम्मान करें। वहीं पर बैठे बैठे जब तक अभी शील्ड अपन प्रदान कराएंगे, यहाँ से शील्ड अभी यहाँ से देंगे, गुरु चरणों से आपको शील्ड दिलवाएंगे। प्रथम द्वितीय राष्ट्रीय विराग युवा मंच की भी शाखाएं यहाँ पर आई हुई हैं और उन शाखाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस युवा सम्मेलन में, जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपना समय दिया है। ऐसे राष्ट्रीय विराग युवा मंच पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही मंगल भावना। और देखिएगा, एक बात बता दें, कल आने वाला जो समय है वह एक सागर वाले दिव्य घोष वाले बच्चों बैठो भी 5 मिनट बैठो 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 जल्दी। कल यहाँ पर एक बुद्धिजीवी सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है और भाई 1 बजे से बुद्धिजीवी सम्मेलन परसों 3 तारीख को यहाँ पर 3 तारीख का सम्मेलन पत्रकार एवं शास्त्र विमोचन, आचार्य भगवान के लिखे हुए शास्त्रों का विमोचन यहाँ पर किया जाएगा। और प्रतिभा सम्मान समारोह भी 3 तारीख को ही इसी मंच से किया जाएगा। 4 तारीख को विशेष सारे काम छोड़ करके 4 तारीख को जरूर आ जाना, क्योंकि 5 साल में एक बार ऐसा अवसर मिलता है जहां पर 5 साल की गलतियों का पूरा प्रतिक्रमण, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का भाव, वह युग प्रतिक्रमण जिसके लिए 5 साल का प्रतिक्रमण यहां पर किया जाता है। और साधु संत यहां बैठ करके पूरे साधु संत आचार्य भगवान के समक्ष प्रतिक्रमण करेंगे सारे भैया। ओ सिलवानी वाले कहाँ जा रहे, बैठो बैठो सिलवानी वाले बैठो, 5 मिनट है अभी जाना नहीं है। और 5 तारीख को प्रतिक्रमण यहीं पर इसी मंच से समस्त समाज आकर के प्रतिक्रमण में 3 घंटे का प्रतिक्रमण चलेगा, बैठें और अपनी इस प्रतिक्रमण में श्वेतांबर परंपरा में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं वो लोग। जब प्रतिक्रमण होता है लाखों की संख्या में बैठते हैं, जब झांसी में और जयपुर में प्रतिक्रमण हुआ था तो वहाँ भी 25,000 से 50,000 लोग वहाँ बैठ करके और इस प्रतिक्रमण का वह आनंद, वह अपने जीवन के पापों का प्रक्षालन करने के लिए गुरु चरणों में बैठे थे। आप सब लोग 4 तारीख को, 5 तारीख को यहाँ पर एक घट यात्रा प्रारंभ होगी, शहर से यहाँ तक आएगी पंच कल्याणक की घट यात्रा, जिसमें 1008 महिलाओं के द्वारा घट यात्रा प्रारंभ होगी। उसी दिन यहाँ पर मंडप शुद्धि और यहाँ प्रतिष्ठा की प्रारंभ याग मंडल विधान के माध्यम से किया जाएगा। दोपहर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 6 तारीख को पंच कल्याणक की और आगे की क्रियाएं, 7 तारीख को जन्म कल्याणक,
8 तारीख को तप कल्याणक, 9 तारीख को ज्ञान कल्याणक और 10 तारीख को वह मोक्ष कल्याणक गजरथ फेरी इस इतिहास का 2023 का स्वर अक्षरों में लिखने वाला एक महा महोत्सव का इतिहास होने वाला है, जहां पर लाखों की संख्या यहां पर होगी और पूरा 300 साधुओं का सानिध्य यहां पर होगा। आप सब लोग इन सब कार्यक्रम में 11 तारीख से विद्युत संगोष्ठी यहां पर प्रारंभ होगी, महामस्त का अभिषेक प्रारंभ होगा और 13 फरवरी को यहां पर पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों से संभावित, मुझे नहीं पता, पूज्य गुरुदेव दीक्षाएं 13 तारीख को यहां पर इसी मंच से दीक्षाएं भी होंगी। तो आप सबका मन किसी का बने दीक्षा लेने का तो आ जाना, गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ा देना 13 तारीख, तो कोई ना कोई पिछली वाली दीक्षा ना हो तो गुरु दीक्षा जरूर ले लेना, गुरु दीक्षा लेकर के अपना जीवन कराएं। 14 तारीख को सर्वधर्म सम्मेलन आई, 15 तारीख को राजनीतिक संगोष्ठी यहाँ पर रखी गई है। और आइए अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही मंगल भावना भाते हैं। पूज्य गुरुदेव युवा सम्मेलन में युवाओं के लिए मार्गदर्शन आपका मिले और उस मार्गदर्शन पर हम सब चल सकें, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। ओम शांति है। छोटा सा बच्चे को माइक दो भैया। लोकांतिक जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। ओ मेरे गुरु नगर में आए, मेरे गुरु नगर में आए, ओ आए संग में खुशियां लाए। ओ मैं तो नच नच धूम मचाऊं मचाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। मैं तो नच नच धूम मचाऊं मचाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। ऐसी घड़ी ऐसा पल बार बार नहीं आएगा, ऐसी घड़ी ऐसा पल बार बार नहीं आएगा। गुरुदेव के भजनों को बीरा आज गाएगा, गुरुदेव के भजनों को बीरा आज गाएगा। जो मैं साथ में नचूंगा और सब को नचाऊंगा, साथ में नचूंगा और सब को नचाऊंगा। गुरुजी के आने की खुशियां मनाऊंगा, गुरुजी के आने की खुशियां मनाऊंगा। सज धज कर मैं आया, वो आया मेरे गुरुदेव नगर में आए, मेरे गुरुदेव नगर में आए, वो आए संग में खुशियां। ओ मैं तो नच नच धूम मचाऊं मचाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। झूमेंगे नचेंगे आज हम तो धूम मचाएंगे, झूमेंगे नचेंगे आज हम तो धूम मचाएंगे। गुरुदेव के आने की खुशियां आज मनाएंगे, गुरुदेव के आने की खुशियां आज मनाएंगे। परगहन करेंगे और चौक पुराएंगे, परगहन करेंगे और चौक पुराएंगे। मीठे मीठे भजनों से गुरु को रिझाएंगे, मीठे मीठे भजनों से गुरु को रिझाएंगे। नसीबा सबका जागा ओ जागा ओ जागा, मेरे गुरुदेव नगर में आए, मेरे गुरुदेव नगर में आए, संग में खुशियां लाए। ओ मैं तो नच नच धूम मचाऊं मचाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। नमोस्तु महाराज जी। सम्मान हमारे सिद्धार्थ भैया, बहुत छोटा सा बच्चे ने बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मंच पर जल्दी से आ जाएंगे हमारे कमलेंद्र जी, जिनका आज का भोजन यहां पर था। हमारे मुकेश जी हीरापुर परिवार यहाँ पर आ जाएं, उनका सम्मान हमारे यहाँ पर करेंगे। और राजा भैया कानपुर वह भी आ जाएं, उनका सम्मान हमारे अजय भैया अभय भैया उनका सम्मान करें। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की देशना हो रही है कमलेंद्र भैया का। नमोस्तु गुरुदेव।
और तो कमलेंद्र एक गरीब सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मिलकर के भाव सहित सिद्ध भगवान के लिए हम सब नमस्कार करेंगे। ओ नमः सिद्धेभ्यः। सभी को बोलना है, ध्यान रखो। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सगबोध दीवी मारुद भुविणते रुंदि मंदि मोहितमो रमिदि सुरासुरे संघो जय दुजिनिंदो महावीरो जय दुजिनिंदो महावीरो। दिखा सिखाई कुशला संगारंभा परिग्रहाचत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगले सया वंदे चरणे जुगले सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री धर्मनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री पारसनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सनमती सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। बंधु आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए और जिस गाड़ी पर बोझ लगा था, लदा हुआ था, और ऐसी बोझ लदी गाड़ी के लिए वो बैल के बच्चे खींचते चले जा रहे हैं। सभी लोग विस्मित थे कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। बतलाते हैं उस समय उसके विषय में बतलाया गया कि धर्म का बोझ वृद्ध अपने कंधे पर लेने में असमर्थ रहेंगे। धर्म की धुरा के लिए वृद्ध अवस्था में धारण नहीं किया जा सकता है और बाल अवस्था में भी धर्म की धुरा को धारण नहीं किया जा सकता है। एकमात्र युवा अवस्था है कि जिसमें युवा धर्म के बोझ को धारण कर सकते हैं। इतने वर्ष पूर्व की वह स्वप्न की परम पद्धति आज हर व्यक्ति को समझ में आ रही है
कि अगर किसी भी समाज में अथवा किसी समूह में युवा कार्य करता है तो वह कई गुनी मात्रा में उसके लिए बहुत अच्छी मात्रा में उठाते हैं और सफल करके दिखा देते हैं। हमारे युवाओं में एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी योग्यता है कि वे बहुत कुछ कहते नहीं हैं, करके दिखा देते हैं। जब हम किसी मुनि संघ को देखते हैं, साधु संघ को देखते हैं, तो उस समय का स्वप्न आज साकार के रूप में दिखता है कि युवा मुनि किसी ना किसी प्रकार से धर्म कार्य में अग्रणीय हैं और वे चाहे साहित्यिक क्षेत्र में हो, चाहे तीर्थ रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे देश और राष्ट्र की व्यवस्था के क्षेत्र में हो, उनके दो कदम आगे हैं। बंधु, कभी इस बात को लेकर के हताश नहीं होना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर ऐसे विचार आ जाएं तो समझ लीजिए वो युवा है ही नहीं। अगर किसी के मन में ये विचार आ जाए हमारा कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं देता है, समझ लीजिए ना साथ कोई देता है और ना कभी कोई साथ दे सकेगा, क्योंकि उसके अंदर में एक कमजोरी आ गई है। कहीं ये विचार आ जाए कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, ये हमारी बुराई करता है, हमारी निंदा करता है, हमारा तिरस्कार करता है, ये अनादर करता है, हमारे पैर खींचता रहता है, बंधु वो कभी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। आज एक व्यक्ति उसको बुरा दिख रहा है, कल दो दिखेंगे, परसों तीन दिखेंगे और धीरे धीरे सभी बुरे दिखने लग जाएंगे, सभी बुरे देखने लग जाएंगे और वो असहाय असमर्थ हो जाएगा। हमारे अंदर में ऐसे नकारात्मक विचारों को बिल्कुल जड़ से निकाल देना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक बार ये धारणा तो बना लो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कर पाओ या ना कर पाओ ये बात की बात है और भाग्य की बात है। मन तुम्हारे भाग्य की बात नहीं है, पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है कि अपने मन में ये धारणा बना लें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक विदेश में भारत के राष्ट्रपति एक बार गए, उनका वहां भाषण था, लेकिन जिस स्थान पर वो खड़े थे, जिस स्थान पर वो खड़े थे वो स्थान बहुत कमजोर था और वो मंच टूटने वाला था, वो स्थान टूटने वाला था। जान करके कुछ ऐसी ही व्यवस्था रखी गई थी, लेकिन श्रोताओं में एक भारतीय था, उसने देख लिया कि ये निश्चित है ये टूटेगा और हमारे देश के राष्ट्रपति गिरेंगे और हंसी होगी। वो तुरंत धीरे से उठा और उठने के जैसे ही भारत के राष्ट्रपति का भाषण प्रारंभ होने वाला हुआ वो धीरे से उठा और मंच के नीचे घुस गया। जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड थी सभी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको बाहर लाने की कोशिश की। उसने कहा मैं बाहर आऊंगा, विश्वास रखिए, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनका भाषण हो रहा है और ये देखो मंच इतना कमजोर है। बंधु, उस समय तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब ने निगाहें रखी कहीं ये गड़बड़ व्यक्ति तो नहीं है। जब राष्ट्रपति के भाषण हो गए और जैसी भी उस स्थान से दूसरे स्थान के लिए हुए,
के वो आदमी निकला और मंच गिर गया। ये बात धीरे धीरे राष्ट्रपति के भी कान में पहुंची। बंदो, उस व्यक्ति का उस देश में भी सम्मान हुआ और भारत देश में भी सम्मान हुआ कि भारत में एक ऐसे भी युवा शक्ति हैं कि जो अपने देश के राष्ट्रपति की ही नहीं अपने देश की रक्षा की अपेक्षा रखती है और सामर्थ्य रखती हैं। बंदो, आज के समय में हमारे लिए बहुत बहुत दृष्टि से बहुत सारी बातें युवाओं से अपेक्षित हैं। क्या आज हम देख रहे हैं, सबसे पहली बातें हैं जो युवा अच्छे रास्ते पर चलते हैं उनका सम्मान होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनका आदर होता है, और जो सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं उनका अपमान भी होता है, अनादर भी होती, बुराई भी होती है, अच्छे कार्यों में उनको अग्रणीय स्थान नहीं दिया जाता है, उसकी शर्मिंदगी उनको महसूस होती है, उनके पारिवारिक लोगों के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे बेटे के लिए सम्मान नहीं मिला, दुनिया के लोगों को मिलता है। याद रखिए, ऐसी कोई बुराई यदि अपने जीवन में है तो उस बुराई को दूर कीजिए। मेरे हिसाब से तो माता पिता के लिए सबसे पहला स्थान जाता है कि अपने बच्चों के लिए शुरू से दृष्टि रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ते पर ना पहुंच जाएं, पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और यदि पहुंच गए तो हम कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उसके लिए अच्छे संस्कार दे सकते हैं। पहला कर्तव्य माता पिता पर है, दूसरा कर्तव्य हमारे युवाओं पर भी है। हमारे युवाओं में भी इतनी क्षमता है सोचने की, समझने की, विचारने की। अगर सही दिशा में सोच और विचार आ गया तो मुझे लगता है आपका सम्मान दिन दूनी मात्रा में बढ़ेगा। जो युवा एक साधु संतों के चरणों में एक बार आ चुके हैं, मुनि राजों के निकट आ चुके हैं, सानिध्य में आ चुके हैं, एक बार केवल मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि करके आहार दिया है, समझ लीजिए उसका जीवन सुधर गया। अब वो अपनी जिंदगी में कभी मांस, अंडे, शराब आदि बुरी रास्ते पर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके अंदर में एक संस्कार आ गए हैं, उसके लिए एक ऐसा प्रभाव पड़ा है, महाराजों के साथ चलने का एक ऐसा असर पड़ा है। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आज के युवा मुनि, हमारे मुनियों में इतनी ताकत है, इतनी अच्छी अवस्था है कि अनेकों अनेक युवाओं का उद्धार करते हैं, अनेकों अनेक युवाओं की जिंदगी को संभालते हैं। केवल आवश्यकता है कि आपको वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। अगर अच्छे संस्कार आ गए हैं तो हमको कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारे मंदिरों का क्या होगा। आज लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हुआ है कि हमारे मंदिरों का क्या होगा, हमारी मूर्तियों का क्या होगा, हमारे तीर्थ क्षेत्रों का क्या होगा, हमारी समाज का क्या होगा। बंदो, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर संस्कारित हैं तो, और यदि संस्कारित नहीं है, संस्कारित नहीं है तो भद्रबाहु के 16 स्वप्न में भी एक ऐसा स्वप्न है कि दक्षिण में पानी रहेगा, बाकी सब सूख जाएंगे। कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए और एक ऐसा प्रयास कीजिए। हर युवाओं में एक आज के समय में इतनी आवश्यकता है, अपन लोग देख रहे हैं, कोई भी तीर्थ क्यों ना हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की समस्या क्षेत्रों के मध्य आ रही है, अपने लोगों के मध्य आ रही है। हम आपसी समस्याओं को आपस में बैठ करके हल करें तो मुझे लगता है हमारे लिए दूसरे लोगों का भी सहयोग मिलेगा और हमारे तीर्थों पर, क्षेत्रों पर, मंदिरों पर आने वाली समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। तो इस विषय में हमको बहुत अधिक मात्रा में ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे महाराज बोल रहे थे
युवा सम्मेलन की उपलब्धि तो कुछ होना चाहिए। और वे बोल रहे थे शराब, शराब का त्याग करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई शराब पीता होगा। हमारे जैन समाज में कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है। हर माता पिताओं ने एक ऐसे संस्कार दिए हैं कि ऐसी बुरी आदत के लिए कोई आगे नहीं आता है। और आ भी गया भूल चूक से तो महाराज लोग सजग पहरी हैं, वे बिल्कुल तैयार रहते हैं, चाहे बैया वृत्ति का समय हो, चाहे आहार का समय हो, चाहे विहार का समय हो, पता लगा लेते कौन कैसी संस्कार में है और उसको संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभाएं सदैव सदैव होते रहना चाहिए, युवा सम्मेलन हर समय होते रहना चाहिए। जो युवा सम्मेलन हमारे लिए और तो कुछ उपलब्धि दे या ना दे, सुसंस्कार तो दे सकता है। महाराज नियम दिला रहे थे शराब का त्याग कीजिए, और कोई हाथ एक ऊपर उठा रहा था तो कोई दो, कोई धीरे से कोई नीचे से। एक याद रख लो, फिर से संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना तो मैं बतलाता हूं कैसे संकल्प लेना। एक हाथ ऊपर करोगे तो आपका आधा नियम माना जाएगा, समझ में आ जाएगी आपने आधा नियम लिया है। और दो हाथ ऊपर करोगे तो नियम पूरा लिया है। और धीरे धीरे आपने कहीं हाथ ऊपर नीचे किए तो कच्चे नियम हैं। और एक साथ मजबूती से हाथ ऊपर रहे तो इसका मतलब नियम पक्का है। हम ओम बोलेंगे और आपको हाथ ऊपर उठाना है, लेकिन देखा देखी नहीं, संकल्प के हाथ ऊपर उठाना। तमिलनाडु में एक बार हमने ऐसा ही प्रवचन हुआ तो कुछ ऐसे भी लोग थे, हिंदी नहीं जानते थे, तालियां बजाते थे और जैसा भी सबको देखते वैसा करने लगते थे। मैंने वहां मांस का त्याग के लिए हाथ उठाया, 100% लोगों ने हाथ ऊपर उठा लिए। एक व्यक्ति को मैंने उसमें से बुलाया, वो हिंदी नहीं जानता था, द्विभाषक मेरे साथ में खड़ा था। मैंने पूछा, पूछो इनसे कि हाथ क्यों ऊपर उठाए, तो हंसने लगा, बोले इसने उठाया था तो इसलिए मैंने भी उठा दिया। इसने उठाया था तो आप ऐसा ना करना कि इसने उठाया तो हम उठाएंगे। संकल्प लेना है कि हम कभी भी शराब नहीं पिएंगे। पक्की बात समझ में आ गई। बहुत सारे लोगों के लिए युवाओं से बड़ी चिढ़ हो रही है, कहीं युवा देखते तो ऐसी बुरी दृष्टि से देखने लगते हैं। मैं चाहता हूं नहीं, कोई बुरी दृष्टि से ना देखे। हम बड़े सबके सामने इस बात के लिए प्रकट करें कि हम लोग कभी शराब नहीं पीते हैं, ना पीते हैं और ना पिएंगे। हमने एक ऐसे कुल में जन्म लिया है, हमने एक ऐसे धर्म में जन्म लिया है जहां कभी भी शराब नहीं पी जाती है। तो तैयार हो जाइए, अब हम ओम बोलेंगे और आपको हाथ ऊपर उठाना है। कैमरे वाले तो पूरे कैमरे तैनात किए ही हुए हैं, तो प्रमाण पत्र भी आपको पक्का मिलेगा, कच्चा नहीं मिलेगा। जितने भी लोग हैं जिनके नियम हैं, वो भी अपने नियम की रिवीजन कर लें और हाथ ऊपर कर लें, और जिसके नहीं हैं वो त्याग करके नियम ले लें और अपने हाथ ऊपर करके अपना सुंदर अपना जीवन बनाने की, एक ऐसे पवित्र मंगलाचरण के अवसर पर पंचकलण की पूर्व भूमिका में अपन लोग ऐसे दृढ़ता के साथ अपनी धारणा बनाएंगे, हम जिंदगी में अब कभी भी शराब नहीं पिएंगे। भगवान जिनेन्द्र देव के एक ऐसे पंचकलणक में गए थे। तो बंधो, आपके लिए हाथ ऊपर करने के लिए तैयार होना है। हम ओम बोलेंगे, आप शराब पीने के त्याग के लिए हाथ ऊपर करेंगे। ओ नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। मुझे तो लगा कि आपने बड़ी दृढ़ता से हाथ उठाए हैं, मजबूती से हाथ उठाए हैं। आज का जमाना इतना बदल गया है कि एक अखबार में मैं एक दिन किसी ने बतलाया कि किसी हॉस्टल में
गर्ल्स हॉस्टल में शराब की बोतलें वहां पाई गई और उसमें लिखा कि वहां की लड़कियां, मैंने कहा री लड़कियां भी क्या शराब पीती हैं? बोले जी कोई भरोसा नहीं है, कौन सी आदत कहां पहुंच जाए। इसलिए आप जितनी भी महिला वर्ग बैठे हैं ऐसा ना समझें कि हम बिल्कुल कहीं असर नहीं पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक पता नहीं कौन सी हवा आपको प्रभावित कर जाए। संकल्प हमारे पास एक ऐसी शक्ति है कि जो कभी भी बुरी आदतों से प्रभावित नहीं होने देगी। इसलिए एक बार फिर से शराब त्याग करने का संकल्प लेने के लिए पुरुष वर्ग, युवा वर्ग, बालक, बालिकाएं और महिलाएं सब तैयार हो जाएं शराब त्याग करने के लिए। एक बार फिर से हाथ उठाना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। एक छोटा सा और नियम, अंडे। हाँ अभी बतला रहे हैं, ओम बोलते हैं, कोई नहीं खाता है। हमको बड़े गर्व के साथ इस बात के लिए कहना चाहिए कि हमारे यहाँ का कोई नहीं खाता है। और यदि कहीं भूल से प्रभावित हो गए हैं तो संकल्प ले लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा संकल्प लिया था जैन मुनि के सन्मुख कि हम कभी ऐसी सामग्री नहीं खाएंगे। विदेश में बीमार हो गए और वहां के डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए अंडे खाने पड़ेंगे। गांधी जी ने बड़ी मजबूती के साथ कहा मरना मंजूर है लेकिन हम अंडे नहीं खाएंगे। तब उस डॉक्टर ने पूछा था क्या आप भारतीय हैं? गांधी जी ने कहा मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि उस डॉक्टर के लिए भरोसा था कि भारत के लोग ही इस प्रकार के दृढ़ संकल्पी हो सकते हैं। बंदो अंडे मांस आदि कभी नहीं खाएंगे। इसके लिए एक बार फिर से संकल्प ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसा तो नहीं था कि कहीं धोखा हो गया हो, किसी ने धोखे से हाथ उठा लिए हो, समझ करके हाथ उठाए हैं। यानी हम कभी ना मांस अंडे खाएंगे और ना कभी कोई शराब आदि का उपयोग करेंगे। एक छोटा सा नियम, बिल्कुल छोटा सा नियम, अपने घर को आप स्वर्ग बना सकते हैं। अपनी माँ अपने पिता, अभी इतना समय नहीं है कि हम माता पिता के विषय में आपको कुछ कहें या बेटे के विषय में कुछ कहें। केवल इतना ही कहना है कितना भी कुछ हो जाए माता पिता से बैर नहीं रखेंगे, चाहे वे आपका तिरस्कार कर दें, चाहे हिस्सा बांट दें या ना दें, चाहे आपके लिए पूजा पाठ कर दें, तो भी अपने माता पिता का के प्रति बैर नहीं रखेंगे, बैर नहीं रखेंगे। कोई बात हो सकती है कि उनको समझ में ना आई हो, आपको व्यर्थ की डांट लग जाए, व्यर्थ की कोई समस्या हो जाए, आप ठंडे समय में उस बात का हल कर लीजिए, लेकिन बैर मत रखिए। बैर महाविश्रूप, और घर का बैर तो फिर बहुत बुरी बात है। बेटे माता पिता से बैर ना रखें, और माता पिता का भी एक कर्तव्य है कि बेटा कैसा भी क्यों ना हो उसको आप डांटें, उसको कंट्रोल करें, समझाएं, इस सब कुछ संभव है, लेकिन इतने हताश मत हो जाइए कि हमारा बेटा लेन पर नहीं आ सकता है।
आप इतने हताश मत हो जाइए कि हमारा बेटा सुधर ही नहीं सकता है, वो लेन पर ही नहीं आ सकता है। नहीं, अंतिम दम तक आप सकारात्मक सोच रखिए कि हम हर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर बेटा गलत मार्ग पर है तो उसको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हताश नहीं होंगे, बैर नहीं रखेंगे। इसके लिए बच्चे लोग जिनके माता पिता हैं वो तैयार हो जाएं, और जिनके बेटे हैं उनके पिताजी इस बात पर तैयार हो जाएं कि कैसा भी होगा हम अच्छे संस्कार शुरू से देंगे और अंत तक देते रहेंगे, अपने प्रयास में पीछे नहीं रहेंगे। इस संकल्प के लिए तैयार हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधु हाथ नीचे कर लीजिए, इस संकल्प नोट जरूर कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से उठने के बाद आप भूल जाओ कि मैंने काय के लिए हाथ ऊपर किए थे। नोट करके रखना। आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी हो रही है कि आज बहुत बहुत जगह के यहाँ पर युवा वर्ग उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय विराग युवा मंच पथरिया, जयपुर, हीरापुर, भाटापारा, मऊ, भिंड आदि से उपस्थित हुए हैं हमारे, और भी सागर, दमोह, बक्सवाहा, बमोरी आदि आदि स्थान, शाहगढ़, सिलवानी, बहुत सारे महाराज के पास नाम नोट हैं, अनेकों अनेक जगह के दिव्य घोष आज अपने बीच में उपस्थित हुए हैं। बंधु सभी के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि आप आज यहाँ पर यति सम्मेलन के मंगलाचरण में उपस्थित हुए हैं। हमारे स्मरण मुनि विरंजन सागर जी महाराज का बहुत अच्छा प्रयत्न और प्रयास रहा कि उन्होंने अथक श्रम अपरिश्रम करके छुल्लक विषोम सागर जी महाराज ने उनके लिए बहुत सहयोग दिया और इस कार्य में बहुत बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाई। दोनों महाराजों के लिए बहुत बहुत अच्छा मेरा आशीर्वाद है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। बंधु युवा हो तो सिद्धार्थ मलैया जैसा हो, सिद्धार्थ मलैया जैसा इसलिए हो कि सिद्धार्थ मलैया के अंदर में एक ऐसी क्षमता कि उन्होंने अनेकों अनेक युवाओं को जोड़ जोड़ करके बहुत बड़ी टीम तैयार की है, और वह चाहे देश की रक्षा विषयक हो, चाहे राष्ट्र की रक्षा विषयक हो, चाहे धर्म समाज और नगर की सेवा व्यवस्था की संबंधी हो, एक इतनी अच्छी क्षमता उन्होंने उपस्थित प्रकट की है। मेरा उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका प्रस्तुत की है। संयोजक हमारे इस युवा सम्मेलन के संयोजक रहे हैं। मैं चाहूँगा आज के समय में राजनीतिक दृष्टि से भी युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और वो इसलिए है कि युवाओं में सोच भी ऊंची है, पकड़ भी ऊंची रहती है, तरीके भी उनके पास होते हैं। अगर कभी कोई समस्या हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर, हमारे क्षेत्र पर आती है तो बंधु उनकी पहुंच और पकड़ भी ऊंची रहती है, और वे उसके कार्य में अपनी रक्षा के विषय में एक सफलता प्रदान कर लेते हैं। अभी हम लोग जब सागर में थे, ऐतिहासिक वहां की रैली निकली थी सम्मेद शिखर जी को लेकर के, केवल ये प्रदर्शन नहीं है, सत्य है, हमारी एकता और संगठन की उपलब्धि है। शास्त्रों में कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। अगर हम एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो बंधु कभी भी कोई भी आपके ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सकता है। हम एकता का परिचय दें
प्रेम का परिचय दें, भाईचारे का परिचय दें। किसी को अपना बनाना है तो अपन भी तो उसके होकर के चलो। आप दूसरे को अपनाओगे, दूसरे के साथ रहोगे तो दूसरे को अपना भी सकते हो। उसके दुख दर्द में आप सहयोग करोगे तो वह भी तुम्हारे दुख दर्द में सहयोगी बनेगा। आने वाले समय में इस बात के लिए बहुत अपेक्षा रखी जा रही है कि हमारे हर नगर और समाज में राजनीतिक दृष्टि से भी युवाओं के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए सबका सहयोग करना चाहिए। इसी भावना से जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। अभी दो मिनट सभी लोग बैठे रहेंगे, हमारे सिद्धार्थ भैया इनको कप सील प्रदान कराएं। और यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था सिलवानी वाले। दो मिनट, एक और बात रह गई थी। आज अपने बीच में शैलेंद्र जी भी विधायक सागर से उपस्थित हुए थे, यहाँ के विधायिका रामबाई भी यहाँ पर उपस्थित हुई थी। मेरा उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि सभी ऐसे धार्मिक कार्य में अपनी अहम भूमिका देते हुए सारी देश और राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करें। हाँ, सिलवानी वाले भैया को सेकंड कप दें और फर्स्ट कप मरावरा। और हमारे बीच में यहाँ पर जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में 81 ध्वजारोहण होना है, यदि कोई अपने परिवार की तरफ से कराना चाहे तो 11,000 रुपये का पात्र बन करके और एक ध्वजारोहण का पुण्य अर्जन प्राप्त कर सकते हैं। और विधिनायक प्रतिमा में यदि आप विधिनायक प्रतिमा देना चाहें तो 1,51,000 रुपये राशि दे करके और वह विधिनायक प्रतिमा का नाम लिखा सकते हैं। यदि विधिनायक आपको प्रतिमा विराजमान कराना हो, हमारे बीच में यहाँ पर सलेहा, देवेंद्रनगर, कुंवरपुर, हल्दुआ, पबई, हटा, बक्सवाहा, बमोरी आदि से जगह से भी पन्ना, गुन्नौर, अजयगढ़ और राजेश लाला मित्र मंडल ग्वालियर यहाँ पर आए हैं और उनका भी यहाँ सम्मान करना चाहेगी हमारी समिति। और 3 बस लेकर के आए हैं हमारे फैंसी ज्वेलर्स की ओर से, एक सागर से बस लेकर के आए हैं, सुनील सेसाई की तरफ से 2 बसें वहाँ से आई हैं, हमारी महिला जैन मिलन सागर और महिला जैन मिलन वाले सागर से सभी लोग आए हुए हैं। हमारे बीच में अनिल जैन और विवेकानंदपुरी दिल्ली से भी आए हुए हैं, वो भी मंच पर आ जाए, उनका भी समिति सम्मान करना चाहेगी। प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिव्य घोष मुनावरा, दिव्य घोष व्यायामशाला वाले आ जाएं और प्रथम पुरस्कार ले जाएं। स्टूडेंट बस हमारे जय कुमार जी जो स्वधर्मेंद्र बने हुए यहाँ पर 81 पात्रों में एक, वो भी बस लेकर के यहाँ पर पहुंचे, उनके लिए भी मंगल शुभ आशीर्वाद गुरुदेव का है। और कल बुद्धिजीवी बुद्धिजीवों का जहाँ कहीं और भी नाम रह गए हों, कहीं पहुंच नहीं, डॉक्टर, वकील, सीए, जज आदि जो भी हैं, जिस नगर के वो सब कल यहाँ पर हमारे विनोद जी कोतमा से यहाँ पर हैं, जो अभी स्वधर्मेंद्र बने थे पंच कल्याणक में, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। विनोद जी हीरापुर के स्वधर्मेंद्र बने हुए थे।